हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे आईएफएस के चैनल के ऊपर। यस, तो हमारी ये सीरीज चालू है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एग्जाम मैपिंग की हमारी फिफ्थ सेशन है। आई थिंक यस, ट्यूसडे से हमने ये सीरीज शुरू की थी और आज सैटरडे है तो फिफ्थ सेशन है हमारा। हर रोज हम नए नए क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कह सकते हो। काफी सारे पीवाईक्यूज भी है, न्यू क्वेश्चन भी है, जो आपको पता है अब नेक्स्ट संडे आपकी सेट की एग्जाम है, एडमिट कार्ड वगैरह भी आ चुके हैं। तो आई होप आपने देखे होंगे आपके एडमिट कार्ड्स। यस, टाइम देखिए उसके ऊपर, फिर आपका जो एग्जाम सेंटर है वो भी एक बार चेक कीजिए, तो उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो आज भी हमारा ये सेशन होगा, वैसे तो कहने के लिए लास्ट सेशन है, बट नेक्स्ट वीक भी हमारी ये सीरीज चालू ही रहेगी, तो ऑब्वियसली आपको चिंता करने की वैसी कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग आदेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीषका, गुड मॉर्निंग मंजू। ठीक है, तो चलिए फिर जैसे हर रोज करते हैं वही करेंगे। क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल नहीं लिखने हैं आपको, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, 2 मिनट दूंगा मैं आपको, एक बुक और एक पेन लेकर बैठना है, वहां पर आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को और आंसर बताइए। यहाँ पर बस प्रैक्टिस ही करनी है हमें, प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम क्लियर करवाएगी। ठीक है, कंसेप्ट वगैरह तो अभी तक हमने पढ़े ही होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर भी जो भी कंसेप्ट लगेगा वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें से अगर कोई आपको नई चीज पता चलती है तो आपके नोट्स में आप उसको मेंशन जरूर करना। चलिए एक बार मुझे बताइए आदेश चैट में, एम आई ऑडिबल, सब ठीक है, ऑल क्लियर, स्क्रीन वगैरह विजिबल है, आवाज वगैरह सब ठीक से आ रही है, तो सेशन को शुरुआत करते हैं। फिर मेरे सेशन के बाद वापस आपका ऑर्गेनिक का सेशन होगा, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का भी सेशन होगा, तो कहीं जाना नहीं है। ठीक है, अराउंड 4-5 घंटे का ये हमारा सेशन होने वाला है, 4-5 नहीं कह सकते, हाँ अराउंड 3.5 to 4 hours का ये सेशन होगा जरूर। ओके, चलिए वैष्णवी ने यहाँ पर रिप्लाई दे दिया, यस ओके, थैंक यू वैष्णवी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भाई सेशन को हमारे एग्जाम मैपिंग सीरीज लेक्चर नंबर 5। ये देखिए हो जाइए शुरू, एक क्वेश्चन है आपके सामने, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, मैं चाहे तो टाइमर भी ऑन कर दूं क्या, टाइमर से आपको ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, कोई बात नहीं, चलिए। सेशन को लाइक भी जरूर करना, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए सेशन को, काफी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, अभी तक जुड़ने बाकी है वो भी आ ही जाएंगे, बट जो भी यहाँ पर है सेशन को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलिए क्या आएगा भाई आंसर, वंशिका इज सेइंग सी, ओके देखते हैं। और बताइए, क्या क्या आ रहा है ऑप्शन, गुड मॉर्निंग स्वप्नाली, आदेश इज सेइंग सी, ओके
स्वप्नाली इज ऑल्सो सींग सी. चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर. सबसे पहले आपको दिया है Fe(F6)3-. सबके सब में एक काम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. Fe3+ है, 4S0, 3D5 हो जाएगा ये. सो 1, 2, 3, 4, 5. तो ये क्या है आपका, स्पिन फॉरबिडन, लैपोर्टे फॉरबिडन. तो ये तो आंसर में नहीं हो सकता, ये सर हो. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको. ये है आपका CO3+, 4S0, 3D6. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये है आपका स्पिन अलाउड, लैपोर्टे फॉरबिडन. फिर इसमें देखते हैं, ये है आपका Mn2+, 4S0, 3D5. वन टू थ्री फोर फाइव, ये ई लेवल होती है, ये T2 लेवल होती है, सॉरी T2 होती है ना, ये T2 जी नहीं आएगा, T2 आएगा. अब ये क्या है आपका, ये स्पिन फॉरबिडन है, सॉरी हाँ स्पिन फॉरबिडन है और लैपोर्टे अलाउड है. अब लास्ट वाला देखते हैं, ये है CO4+, यानी कि 4S0, 3D के आ जाएगा, 5 आ जाएगा. CO4+ है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम इसको लो स्पिन ले सकते हैं, T2G और PG. ठीक है, चलिए अब हमें डिसाइड करना है, ये भी क्या है आपका, स्पिन अलाउड बोल सकते हैं इसको आप, और ये लैपोर्टे फॉरबिडन है. यहां तक तो सबने किया होगा, यहां तक तो सबने किया होगा. इसमें कुछ डाउट है किसी को? चलिए इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. सबसे पहले मैं इसको काट दूंगा. ऐसा क्यों? क्योंकि स्पिन भी फॉरबिडन है, लैपोरेटे भी फॉरबिडन है. ठीक है, तो ये तो मोस्ट कलर तो दिखाएगा नहीं. दूसरा में देखो, दूसरा में इसको कट कर देता हूं, क्योंकि CO4+ है, T2G और EG का गैप बहुत ज्यादा है, तो इजीली ट्रांजिशन DD ट्रांजिशन तो होगा नहीं. तो ये भी आपका लिस्ट कलर दिखाएगा, यानी कि अब्जॉर्प्शन अच्छी से नहीं होगी. अब मुझे लगता है आप लोग जो कंफ्यूज हो ना, इन दोनों में होंगे, या तो बी में या सी में. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसी केस आती है कि एक कॉम्प्लेक्स में आपका स्पिन अलाउड लैपोरेटे फॉरबिडन है और दूसरे केस में आपका स्पिन फॉरबिडन और लैपोरेटे अलाउड है, तो प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? प्रायोरिटी आपको देनी है स्पिन वाले को. ध्यान रखना, आपकी स्पिन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर लैपोरेटे. बात समझ में आ रही है? आपकी स्पिन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर लैपोरेटे. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहां पर? आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर, और सी भी आपको कट करना पड़ेगा. ठीक है, मुझे पता है काफी लोग यहां पर फंसेंगे. हमारे दिमाग में एक होता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लैपोरेटे फॉरबिडन है, तो चलो इसको हम ज्यादा इंटेंस बोल देंगे. नहीं भाई, ये अगर कब होता, ये इंटेंस ज्यादा कब होगा? अगर ये आपका स्पिन अलाउड भी हो जाता ना, स्पिन अलाउड और लैपोरेटे अलाउड, तो ये आपका ज्यादा इंटेंस, यानी कि ज्यादा कलर्ड हो जाता मैंगनीज वाला. अगर मैंगनीज की जगह कोई और मेटल होता तो वो ऑब्वियसली स्पिन अलाउड भी हो जाता, तो मैं मानता हूं इसका कलर ज्यादा डार्क दिखता, यानी कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता. बट ये स्पिन फॉरबिडन है, लैपोरेटे अलाउड वाला केस है, तो ऑब्वियसली इसकी इंटेंसिटी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि स्पिन की स्पिन को प्रायोरिटी हम ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू लैपोरेटे. काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये.
ठीक आहे केम पॅसिफिक. शुभ सकाळ सरजी, कसे आहात तुम्ही? मी मस्त, तुम्ही कसे आहात? येस मंदा मणिकंदनी असतील. वाय पेरिंग टेक्स प्लेस इन सोशियल सी. अरे प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री से ज्यादा जाती है, प्लस फोर प्लस फाइव, तो वहां पर क्या होता है, टी टू जी और ईजी का गैप इंक्रीज हो जाता है. यस टी टू जी का गैप इंक्रीज हो जाता है ना, यस और नो? तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, प्लस फोर प्लस फाइव जाती है, तो एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है, स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली टी टू जी टू ईजी में नहीं जा सकता, तो इसलिए वहां पर आपकी लो स्पिन आएगी. सर सी वाला लेपोर्टे अलाउड कैसा है? ये आपका लेपोर्टे अलाउड कैसा है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. ये आपका कैसा है, एम एन सी एल सी एल सी एल और सी एल. अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एबसेंट होती है ना, तो आपका लेपोर्टे अलाउड होता है. लेपोर्टे अलाउड के लिए कंडीशन क्या होती है, जी टू यू यू टू जी अलाउड होता है, जी टू जी ई टू ई फॉरबिडन होता है ना. ठीक है, बट सी एल इज अ वीक फील्ड लिगैंड. सी एल इज अ वीक फील्ड लिगैंड किसमें भाई? अरे लास्ट ऑप्शन में भले ही सी एल वीक फील्ड लिगैंड हो, लेकिन आपका जब चार्ज इंक्रीज होता है ना मोर देन प्लस थ्री, यानी कि प्लस फोर प्लस फाइव दिखाएगा, तो वहां पर वो लो स्पिन ही बनाता है, ध्यान में रखना. भले ही कोई भी हो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता तो उससे ऑक्सीडेशन स्टेट को कोई मतलब नहीं, वो प्लस टू में भी लो स्पिन ही दिखाएगा. बट जब वो वीक फील्ड लिगैंड है सी एल वगैरह, तो वो प्लस फोर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में लो स्पिन दिखाएगा, पेयरिंग ही होगी. ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हुई होगी इस क्वेश्चन में. चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. हो जाए शुरू. वैष्णवी सिंह सर, सेकेंड में स्पिन अलाउड कैसे है? सेकेंड में तो ये तो स्पिन अलाउड है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है विदाउट चेंजिंग द स्पिन, तो ये तो स्पिन अलाउड होगा. ये स्पिन फॉरबिडन क्यों है, क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए उसकी स्पिन अपोजिट करनी पड़ेगी पेयरिंग के लिए, और जब भी हमें अपोजिट करनी पड़ती है तो वो फॉरबिडन होता है, अलाउड नहीं होता है. बट बी में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका उल्टा वाला, वो डायरेक्टली एक ऊपर जा सकता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं स्पिन अलाउड. चलिए देखिए क्वेश्चन. बी बी डी बी काफी आंसर्स आ रहे हैं यहां पर. चलिए आई थिंक इतना टाइम इनफ है. यस क्या कॉम्प्लेक्स दिया है भाई, सीओ सी एल फोर टू माइनस. जब भी ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिले, तो एक काम पहले क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. एक सेकंड,
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, CO2 प्लस है तो ये हो जाएगा आपका 4S0, 3D7 टेट्राहेड्रल है, नीचे है E, ऊपर है T2, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक तो किया होगा सबने बराबर। अब ये ट्रांजिशन कैसा है? यस, ये नीचे से ऊपर जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर तो आराम से जा सकता है, तो स्पिन तो अलाउड हो गया, स्पिन अलाउड हो गया। दूसरा, क्या लैपोर्टे अलाउड है या लैपोर्टे फॉरबिडन है? तो ये आपका लैपोर्टे अलाउड भी है भाई, तो कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। एलएमसीटी पता नहीं कुछ लोगों को क्यों लग रहा है, अरे एलएमसीटी के लिए मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा हाई लगती है, बात समझ में आ रही है? एलएमसीटी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा हाई लगती है, +4 +5 होती है। लिगेंड ठीक है दे सकता है क्लोरीन, बट मेटल ने एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए, यहां पर CO2 प्लस है ना, CO2 प्लस है तो CO2 प्लस है तो कोबाल्ट 2 प्लस में एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता, यस और नो? तो LMCT तो नहीं होगा, मेटल टू लिगेंड तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है? सी ऑप्शन, स्पिन अलाउड एंड लैपोर्टे फॉरबिडन। लैपोर्टे फॉरबिडन तो नहीं है, ये आपका टेट्राहेड्रल स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली डी आ जाएगा, स्पिन अलाउड एंड लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। क्लियर? यस आरती आदेश, सर केम पैसिफिक इज आस्किंग सर लैपोर्टे अलाउड कैसे डीडी? डीडी तो फॉरबिडन होगा ना, अरे ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ना ये, तो आपका ये लैपोर्टे अलाउड को या लैपोर्टे पार्टली अलाउड भी तो बोल सकते हैं उसको, ये तो अलाउड में ही मानते हैं इसको। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ है? अरे अगर आपका प्रॉपर एक ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ऐसा कुछ स्पीशीज है, अब ये होता है आपका लैपोर्टे फॉरबिडन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें जीरेड अनजीरेड आता है आपका बराबर। वही मैं अगर स्क्वायर प्लेनर भी लू, स्क्वायर प्लेनर में भी क्या है आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसमें भी जीरेड आता है सारे, जीरेड अनजीरेड, तो वो लैपोर्टे फॉरबिडन होते हैं। बट ये क्या है, इसमें जीरेड अनजीरेड तो होते नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं ना टेट्राहेड्रल में, तो ऑब्वियसली आपका लैपोर्टे अलाउड हो जाएगा, तो इसीलिए आपका ये डी होगा। स्पीड पेसिस सिंह, टेट्राहेड्रल में जीरेड अनजीरेड नहीं होता सर, लैपोर्टे अलाउड होगा। यस बिल्कुल, टेट्राहेड्रल वाले लैपोर्टे पार्टली अलाउड होते हैं, यस बिल्कुल जी हाँ। चलिए तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे याद करने को मत जाओ, चीजों को समझो, कंसेप्ट को समझो, ठीक है? ऐसे याद करके मत जाओ एग्जाम में कि सारी टेट्राहेड्रल को मैं लैपोर्टे अलाउड बोलेंगे, नहीं ये तो याद आप बाद में होगा, बट पहले कंसेप्ट को समझना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सर जो डीडी ट्रांजिशन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सर, लैपोर्टे पार्टली अलाउड एंड स्पिन अलाउड ड्यू टू पीडी मिक्सिंग, जी हाँ बिल्कुल। यस चलिए देखिए क्या आएगा।
ये तो इजी है, ये तो सबका आना ही चाहिए भाई। यस आई थिंक सबने सही दिया है आंसर, इसका ऑप्शन नंबर टू ही आएगा। यस और नो? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये तो सबसे पहले आप कट करोगे थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हुई है दोनों में। और इसमें क्या है, एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू टू, और ये है आपका एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू वन। तो लैपोर्टे अलाउड के लिए एल की वैल्यू प्लस और माइनस वन तो हो सकती है ना, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर टू आएगा। चलिए ये तो काफी इजी था क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन विजिबल है क्या? 3F टर्म में माइक्रोस्टेट्स पूछे, ये तो काफी इजी है वैसे। 3F क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, 2S प्लस वन, 2L प्लस वन। 2S प्लस वन की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2L प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 21, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही आंसर। करेक्ट, ऐसे ही किया होगा और तो क्या ही करोगे। पढ़िए क्वेश्चन, हो जाए शुरू। काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी आना चाहिए सबका आंसर। आया सबका? यस, क्या पूछा है, एक कॉम्प्लेक्स दिया है और एक में D5 D7, ये बनेगा आपका D5 और ये होगा आपका D7। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है आपका स्पिन फॉरबिडन, ये है आपका स्पिन अलाउड, ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर सही आंसर। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक कीजिए प्लीज, भूलना नहीं है भाई, हो जाइए शुरू।
कौन सा आ रहा है? यस मंजू, स्वप्नाली, डिंपल, राम, स्प्रेड पीस, मुझे लगता है आप दो ऑप्शंस में फंसोगे, दो तो एलिमिनेट कर दोगे। अगर इस क्वेश्चन में फंस रहे हो तो आई थिंक दो ऑप्शंस में फंसोगे, बाकी दो तो आप एलिमिनेट कर दोगे। आदिशी सिंह, एम एन एंड सीओ, एम एन कहा है भाई, दोनों में सीओ तो है। सी कह रहे काफी लोग, पक्का सी आ रहा है क्या? एक बार चेक करना, मुझे तो नहीं लगता सी आएगा। देखिए पहला है आपके पास CO2+, ये आपका ऑक्टाहाइड्रल है और हाई स्पिन है। अब इसके लिए कैसे होती है आपकी मूल्लिकन सिंबल, कैसे निकालते हैं भाई हाई स्पिन के लिए? T2G, T1G, A2G, EG और A1G, ये ऐसे होता है ऑक्टाहेड्रल स्पिन के लिए। यस और नो? अब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करेगा वो होगी आपकी ग्राउंड स्टेट। अब D7 है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। S की वैल्यू क्या है यहां पर? S की वैल्यू है आपकी 1+2 इज इक्वल्स टू 3/2, सो 2s+1 कितना आ जाएगा? 2s+1 आपका आ जाएगा 4। तो जिसमें जिसमें 4 है वो रहेगा, बाकी के तो काट दो सबसे पहले। अब मैंने क्या कहा, जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है ना उसमें वो आपका होता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। उन्होंने क्या पूछा है? ग्राउंड स्टेट ही पूछा है ना। यस, तो कहा गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस वाले ऑर्बिटल में गया था T1G, तो आपका आ जाएगा 4T1G। अगर एक का भी निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं टेट्राहाइड्रल वाला, CO2+ टेट्राहाइड्रल। आपको पता है सारे टेट्राहाइड्रल क्या होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, बराबर कि नहीं? सो ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा आपका A2, ये T1, T2 और A1। अब इसमें कीजिए आप इलेक्ट्रॉन्स फिल, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इसमें भी आपकी 2s+1 की वैल्यू 4 आ रही है और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहा जा रहा है A2 में, तो ये हो जाएगा आपका 4A2। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्लियर है सर? एम एस सेट का जो 1 रुपी में उसका कूपन कोड क्या है, कैसे एक्सेस लेंगे? एक्सेस तो आप एक बार ऐप से देखिए, नहीं तो वेबसाइट के ऊपर जाकर देखिए। कल शायद से राजू सर ने अनाउंसमेंट भी किया, उसमें कूपन कोड मेंशन होगा, आप एक बार वहां अनाउंसमेंट को चेक कीजिए। ठीक है, कूपन कोड तो मुझे भी वैसे डायरेक्टली पता नहीं है, आप अनाउंसमेंट को चेक कीजिए, उसमें आपका कूपन कोड लिखा होगा तो आप डाल दीजिए उसमें। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके हाई स्पिन के लिए होती है और ये आपकी टेट्राहेड्रल के लिए होती है, तो ऐसे निकालना है। इजी क्वेश्चन होते हैं, आने चाहिए आंसर्स। अंकिता कदम यहां पर आ चुके हैं,
ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाइए शुरू। सर लो स्पिन ऑक्टाइडल का भी बता दीजिए कैसे होता। अच्छा ओके, उसका लो स्पिन बताना रह गया ना। यस अच्छा वो याद दिलाया, एक सेकंड वापस जाते हैं। अब ऑक्टाइडल लो स्पिन के लिए कैसे होगा इसको नोट डाउन कीजिए। यहां पर होगा आपका T1G, T2G, यहां पर आ जाएगा आपका A1G, ये EG और A2G। चाहे तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। सो तीनों आपके पास ये हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन और आपका ये टेट्राहेड्रल। तो कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में तीनों में से। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। हाँ गुड मॉर्निंग नीरज, गुड मॉर्निंग। कौन सा आ रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन है? चलिए आई थिंक इतना टाइम इनफ है। देखिए तीन कॉम्प्लेक्स दिए, सबसे पहले क्या काम करोगे जब ऐसे दिखता है तब इनका स्प्लिटिंग निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और स्प्लिटिंग करो, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो। तो देखिए क्या आता है, सबसे पहले दिया है आपको Ni2+, तो ये हो जाएगा आपका 3D8। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरा है आपका Vanadium 2+, तो ये भी हो जाएगा आपका D3। और तीसरा है आपका Chromium+3, तो ये भी D3 है वैसे तो। हाँ अब सबसे लोएस्ट रेट इनमें अगर पहचानना है तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, Cr+3 का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना रेट उसका लो हो जाएगा। तो सबसे लीस्ट तो ये आएगा,
सी वाला, क्योंकि मोर चार्ज। अब इन दोनों में कैसे देखेंगे? अब वैसे देखा जाए ना, होते तो दोनों भी इनर्ट है, D3 और D8 दोनों इनर्ट के ही केसेस है, बट D3 ये जो है ना आपका वैनेडियम 2+ D3 ये ज्यादा इनर्ट है। मोर इनर्ट देन D8, ऐसा क्यों? क्योंकि D8 में आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ईजी लेवल में गया है, बट जब आप D3 का केस देखोगे, D3 में सिर्फ T2G लेवल में आपके इलेक्ट्रॉन से ईजी में आपका इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, और जब भी इलेक्ट्रॉन ईजी में नहीं जाता है और D3 केस होता है तो वो बहुत ज्यादा इनर्ट होता है, ठीक है? तो आपका जो D3 केस है वो हमेशा ज्यादा इनर्ट होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आने वाला है। तो यही है इसका ऑर्डर होगा, क्लियर? ठीक है, चलिए हो जाइए शुरू। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुड इवनिंग स्वाति, कौन से कंट्री से मुझे गुड इवनिंग कर रहे हो आप? चलिए हो जाइए शुरू। वैसे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने को लेंदी लग रहा है, बट आई थिंक क्वेश्चन तो इजी है। आना चाहिए सबका आंसर। अब जब ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसको एलिमिनेशन मेथड से करो, जो ऑप्शंस गलत हो रहे उसको काट दो सबसे पहले, ठीक है? अब तीन उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, एक काम करते हैं सबका हम ये करते हैं। ये आपका Cr+3 है, तो D3 हो जाएगा, 3 से कुछ मतलब नहीं, हमें D3 हो जाएगा, सो 1, 2, 3। अगर B की बात करूं तो ये भी आपका D3 कॉम्प्लेक्स ही है, सिर्फ लिगेंड्स चेंज हो चुके हैं, और लास्ट वाला भी आपका D3 ही है। तो एक चीज तो आपको पता चलती है कि इसमें किसी में भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो है नहीं, किसी में भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो है नहीं। अच्छा, तो ऑप्शंस और ज्यादा इजी करके दिए उन्होंने, चलिए सिर्फ क्वेश्चन बड़ा किया है, बाकी आपको चीजें कुछ पता हो या नहीं हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पता है क्या वही देखने के लिए उन्होंने क्वेश्चन बनाया ऐसा लगता है, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो कोई दिखा नहीं रहा और ऑल ऑफ देम शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो ये इसको काट दो, तो जिसमें डी है वो भी गए, ऑप्शन तो ए ही आएगा। अब बाकी के भी ऑप्शंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
टू ऑफ देम हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स। जी हाँ बिल्कुल, किसमें किसमें है भाई ऑप्टिकल आइसोमर? आपके CrOX और CrEN थ्राइस में, क्योंकि उसमें चिलेटिंग लिगेंड्स है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि IOST। इसके हो ये होंगे ना इनेंशियोमेरिक फॉर्म में होगा भाई, प्लस और माइनस, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो उन्होंने बोला है टू ऑफ देम, तो ये दोनों में ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखेगा। देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स आर सेम, ऑब्वियसली एन इज इक्वल टू 3 की वैल्यू है सब में, तो सबकी स्पिन की वैल्यू सेम आएगी। एंड देयर डीडी ट्रांजिशन आर 149001750218002180 सेंटीमीटर इनवर्स। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, सारे आपके लिगेंड की फिटस्ट्रेंथ देखिए, फ्लोरिन के बाद आपका ऑक्सलेट है और लास्ट में आपका इन लिगेंड है। इन लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो स्प्लिटिंग इंक्रीज होगी। अगर स्प्लिटिंग इंक्रीज होगी तो उन्होंने किसकी एनर्जी की वैल्यू दी होगी, यस फ्रीक्वेंसी यानी कि एनर्जी दी है ना। हाँ, तो 21800 सबसे ज्यादा किसके लिए है, इन लिगेंड के लिए है, तो ऑब्वियसली ये भी सही ऑप्शन है, तो डी वाला गलत, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए और क्या ही बताऊं मैं इसमें। चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन है ये भी बहुत। चलिए देखिए क्या है ऑप्शन। ये एक्चुअल में ऐसे है, ठीक है, वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर ऑप्शन समझ नहीं आ रहे किसी को तो ओ एच टू सिक्स थ्री प्लस, ये ऐसे है। फिर ये आपका एल्यूमिनियम NH3+ -3 और ये है आपका हाँ। अब देखिए कौन सा आ रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या बताता है भाई? देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का, जो आपका मेटल है यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है आपका, वो हमेशा क्या चाहेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टेट में रहना चाहेगा, यस और नो? और अगर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्टेट में रहना चाहता है तो इसका मतलब क्या, इसको इलेक्ट्रॉन्स देने चाहिए किसी ने या उससे लेने चाहिए? यस ऑब्वियसली लेने चाहिए ना। अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन्स, उसको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, उससे दूर करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो पुल करेगा वो स्टेबल हो जाएगा, अगर कोई उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वो अनस्टेबल होगा। आप कीजिए सॉल्व। अब सबसे ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ये तो आपको पता है, यस कौन देता है? यहां पर देखिए आपका NH3 जो है अच्छा डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास जा रहे हैं तो वो अनस्टेबल होगा, तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सही है यहां पर। अब बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन भी तो देता है इलेक्ट्रॉन, देता है,
बट नाइट्रोजन से तो कम देगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो यहां पर नहीं होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन अगर और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये भी नहीं देगा इतने इजीली इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी गया। अब ये क्या चीज है, इसको पहले से थोड़ा सा खोल के लिखिए, फिर चीजें समझ में आ जाएगी। एन ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये है आपका लिगैंड। अब आप बोलोगे सर यहां पर भी नाइट्रोजन है तो ये क्यों नहीं दे रहा है, ये इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहां पर क्या है, ये पाई एक्सेप्टर है ना, पाई बॉन्ड है, तो ये काम करता है किसकी तरह, पाई एक्सेप्टर लिगैंड की तरह। पाई एक्सेप्टर लिगैंड की तरह काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो ऑब्वियसली ये भी ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है, बहुत बड़ी फॉल्ट इन दिस क्वेश्चन। कौन सा फॉल्ट भाई? यस नीरज, हाँ अनस्टेबल पूछा है ना, ध्यान रखना अनस्टेबल पूछा है। ध्यान रखना है अनस्टेबल पूछा है उन्होंने। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए हो जाइए शुरू। चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। चलिए बताइए नीरज, वैष्णवी, अंकिता आंसर बताइए। चलिए समृद्धि, सर जर स्टेबल विचारला असता तर, अच्छा इसमें अगर स्टेबल पूछते, अगर स्टेबल पूछते ना तो ये दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं देते वो, ये दोनों ऑप्शंस को एक साथ नहीं देते वो, या आप इसको भी लगा सकते हो पाई एक्सेप्टर लिगैंड, बट ये काफी कंफ्यूजिंग होगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर आंसर देना ही है तो इन दोनों में से एक होगा आपका ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें पाई एक्सेप्टर भी है और आपका फ्लोरिन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है, बट आप पाई एक्सेप्टर को मार्क कर सकते हो। चलिए कौन सा आ रहा है इसमें, सबसे पहले जो ट्रांजिशन हो रही है या जो कलर ऑब्जर्व होगा वो किस वजह से होगा, पहले तो वो निकालना पड़ेगा, बराबर कि नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली 2K+ CrO4 2-, और यहां पर भी 2K+ MoO4 2-, सो X-8 = -2, X = +6,
यहाँ पर भी x माइनस एट इज इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस सिक्स। तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के ऊपर इतनी ज्यादा है, इसलिए ये क्या दिखाएगा फिर आपको, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर देगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इनको तो काट दो। तब आपको पता है ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एनर्जी नीचे होगी कहीं, तो यहां पर ऑक्सीजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब बात बहती है क्रोमियम और एमओ की। अब आपको पता है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये आपका 3D है, ये आपका 4D है, तो जो स्प्लिटिंग होती है, जो गैप होती है ना, वो हो जाती है इंक्रीज। तो अगर मुझे क्रोमियम कहीं तो यहां पर दिखाना है प्लस सिक्स वाला, तो एमओ किधर तो ऊपर दिखाना पड़ेगा सिक्स वाला। अब देखिए इन दोनों में गैप कम है, ऑक्सीजन और एमओ में गैप आपकी ज्यादा है। अब इसमें गैप कम है तो एनर्जी कम लगेगी, यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगी। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा, बराबर कि नहीं? तो जितनी एनर्जी कम लगेगी उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा, बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर, इसकी एनर्जी कम है तो इसका लैम्बडा ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या पूछा है, लैम्बडा पूछा है ना, लैम्बडा मैक्स। तो लैम्बडा मैक्स ज्यादा किसके लिए है भाई, ए के लिए आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पर आपका सही आंसर। एज वी गो अलोंग द ग्रुप द वेवलेंथ ऑफ एलएमसीटी डिक्रीजेस। जी हाँ बिल्कुल, वेवलेंथ बोलो एनर्जी बोलो, कोई एक चीज ध्यान में रखो, मैं तो हमेशा एनर्जी में, एनर्जी के टर्म्स में प्रीफर करता हूँ। तो एनर्जी से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, वेव नंबर भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो इसीलिए एक ही किसी टर्म्स में याद रखो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। और एक पता है तो इस रिलेशन से हर एक चीज आपको पता चल जाएगी, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाइए शुरू। कौन सा आ रहा है ऑप्शन, यस? क्या आया, डिंपल, वंशिका, स्वप्नाली, नीरज, निकालो, इतना टाइम लग रहा है। क्या बोला है उन्होंने, आपका ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में 2.9 बोर मैग्नेट्रॉन चाहिए उनको वैल्यू, और आपकी टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में 4.1 बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू चाहिए, ठीक है? अगर मैं CO3 प्लस को लेता हूं D6,
अगर ऑक्टाहेड्रल में देखें हम 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल में उनको चाहिए 2.9, तो ये तो होगा नहीं। अब Ni2+ की बात करूं 3d8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.9 आती है, ऑब्वियसली n इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये तो सही होगा। अब अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां पर भी 2.9 के आसपास आनी चाहिए, बट उन्होंने जो वैल्यू दी है 4.1 बोर मैग्नेट्रॉन दी है, तो क्या ये आ सकती है यहां पर? तो जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है। कौन सा एक कंसेप्ट आता है यहां पर आपका? ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो सबने पढ़ा होगा जब आपने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है। यस, क्या होता है जब आपका T2g लेवल असिमेट्रिकली फील्ड है ना, तो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो वो 2.9 जो एक्सपेक्टेड है वो 2.9 नहीं देखने को मिलती है, वो अराउंड 4.1 आपको देखने को मिलती है, करेक्ट? तो कौन सा आएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही आंसर। बाकी के भी चाहे तो आप चेक कीजिए, Cu2+ तो 3d9 है, तो ईजी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा, और ये वापस से Cu2+ 3d7 दिया है, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आएगा आपका सही आंसर। चाहे तो बाकी भी आप निकाल लो, आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर है क्वेश्चन? कुछ डाउट है? चलिए देखते हैं फिर आगे। चलिए बताइए, क्या आ रहा है भाई आंसर? चलिए बार आंसर बताइए भाई। चलिए देखते हैं क्या पूछा है उन्होंने। डी जनरेसी पूछी ना, तो फॉर्मूला क्या होता है माइक्रोसेट्स वगैरह वाला? 2s+1 2l+1, यहां से आ जाएगा आपका। अब कुछ भी करके आपको s और l की वैल्यू निकालनी है बस। तो देखिए d7 है, E2g Eg 1 2 3 4 5 6 और 7, +2 +1 0, -1 -2। एस की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, 1 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 3/2,
सो 2s प्लस 1 हो जाएगा 2 इंटू 3 बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2s प्लस 1 की। अब l की वैल्यू क्या है यहां पर, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 2, तो ये गया ये गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो कीजिए सब्स्टिट्यूट, 4 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 7 फोर जार 28 आ जाएगा आपका। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 12 कैसे आ रहा था भाई, 12 कैसे आ रहा था, क्या पता सी आ जाएगा ना ऑप्शन, ठीक है 28। चलिए हो जाए शुरू। इजी क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, ज्यादा तो कुछ है भी नहीं इसमें। ए ही आ जाएगा, सिस में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, फिर आपकी ट्रांस में, और फिर रिलीज होती है आपकी जब सारे लिगेंड सेम होंगे तब। सिस में ज्यादा क्यों होगी, कि सिस में आपका नो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, इसीलिए। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो लैपोर्टे पार्टली अलाउड भी हो जाएगा। ट्रांस की बात करूं, ट्रांस में तो ठीक है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बट दो लिगेंड अलग है तो इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी ज्यादा दिखती है कंपेरेटिव टू दिस वन, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया था ये, तो ऑप्शन वन ही इसका सही आंसर है। यस, वासु जी ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, सी एल इज मोर डिसिमेट्रिक सो इट हैज मोर इंटेंस व्हेन ट्रांस हैज बीन फॉरबिडन। यस जी हाँ बिल्कुल।
कौन सा आएगा? चलिए, एक्चुअल में कैसा है, इसमें क्या दिया है, बहुत कुछ लगा रहा है या स्क्रीन के ऊपर। एक चीज तो आप देख सकते हो, ये और जो ये है, ये आपके इनर स्पियर मैकेनिज्म है, ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं इनर स्पियर मैकेनिज्म? क्योंकि इसमें आपका ब्रिजिंग लिगेंड इन्वॉल्व है फ्लोरीन, और आपका इसमें आयोडीन इन्वॉल्व है, बराबर। तो ये इसका दोनों का रेट तो कैंसिल आउट जाएगा, क्योंकि ये सारे दोनों आपके क्या है, आउटर स्पीयर मैकेनिज्म है। करेक्ट। अब देखना है ब्रिजिंग कौन सबसे ज्यादा अच्छे से बिहेव करता है। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम हैलोजन्स डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, जितना साइज इंक्रीज हो जाएगा उतनी ज्यादा उसकी ब्रिजिंग टेंडेंसी अच्छी होगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का रेट उतना ही ज्यादा फास्ट होता है। तो ऑब्वियसली आयोडीन जहां पर है उसका रेट आपका फास्ट होने वाला है, यानी कि कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, आई माइनस विल एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। जी हाँ बिल्कुल वासु, बराबर है, क्लियर। तो ऑब्वियसली आपका आयोडीन ये जो है इनर स्पीयर मैकेनिज्म की तरह एक्ट करेगा, तो इसलिए आपका इसका रेट जो है सबसे ज्यादा फास्ट होने वाला है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और क्या ही था फिर। जब भी एक हेलोजन इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, तब वो एक इनर स्पीयर मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ी देर में आपका ऑर्गेनिक का सेशन भी शुरू हो जाएगा, तो प्लीज डू लाइक दी सेशन, शेयर दी सेशन। चलिए कौन सा आ रहा है, चलिए देखते हैं। अब ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया ना, यहां पर पहले ही उन्होंने बोला है बेस हाइड्रोलिसिस बोला है,
तो ये बेस हाइड्रोलिसिस क्यों है और ये बेस हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं है, देखिए जो आपका फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है CO NH3 अब जब मैं इसमें बेस डालूंगा तो ये क्या हो जाता है, ये NH2 माइनस हो जाता है क्योंकि एक आपका एसिडिक प्रोटॉन है तो ये इससे पिक करेगा, यहां से NH2 माइनस बनेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं ये आपका कॉन्जुगेट बेस बना है ना उसका, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। अब ये होती है आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें देखिए क्या इसमें कोई एसिडिक प्रोटॉन है क्या पिक करने के लिए, अब इसमें कोई एसिडिक प्रोटॉन है ही नहीं तो ये बेस हाइड्रोलिसिस से कैसे प्रोसीड करेगा, तो ऑब्वियसली ये तो कैंसिल हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, पर ये भी गया। प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन इन COCl3 NH5 बट नॉट इन, बराबर है ये तो सही आ जाएगा, तो ए यहां पर भी है यहां पर भी है तो इसको भी काट दीजिए। अब बी और सी में चेक करना है, SN1CB मैकेनिज्म इन द केस ऑफ, बराबर ये सही है, और इन द केस ऑफ इसमें तो नहीं है तो ये गया, तो ऑप्शन ए एंड बी सही आएंगे, बाकी कट हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, काफी लेंदी दिया है लेकिन क्वेश्चन अप्रोच करने को काफी इजी था। बेस हाइड्रोलिसिस जितना दिखता है उतना डिफिकल्ट होता नहीं है, घुमा फिरा कर वही वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये बेस हाइड्रोलिसिस है और उसके लिए क्या आपको एसिडिक प्रोटॉन दिखा तो ये बेस हाइड्रोलिसिस के लिए जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, चलिए हो जाए शुरू। चलिए इसका स्ट्रक्चर आपने अगर निकाल दिया तो आंसर आ जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट है। ट्रिस इथिलीन टेट्रा अमाइन, इसको पहचानना जरूरी है, ट्रिस इथिलीन टेट्रा अमाइन, बाकी तो आप कर ही लोगे और ट्रांस दिया है तो चीजें तो और इजी हो चुकी है, वैसे तो आना चाहिए आंसर। चलिए बताइए डिंपल, वनिष्का, सृष्टि, समृद्धि, स्वप्नाली, स्प्रेडपीस क्या आ रहा है, देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो ट्रांस दिया है ना तो सीएल सीएल को मैं ट्रांस लिखता हूं, चलो ये तो काम किया मैंने। अब बाकी आपको पता है टेट्रा अमीन है, चार नाइट्रोजन तो आ जाएंगे, तो यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन और यहां पर भी आपका नाइट्रोजन, तो ये सारे आपके ऐसे होंगे ना, इसको बोलते हैं हम ट्रिस इथिलीन टेट्रा अमीन, ठीक है, ट्रिस इथिलीन टेट्रा अमीन, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि Br है। अब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो जी हाँ इसमें आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो स्टीरियो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक ही है ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो एक होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स जीरो हो जाएंगे,
तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ जाएंगे? वन। यस और नो? क्लियर? तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, वैसे इजी भी था, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पहचानते आना चाहिए था। चलिए हो जाए शुरू। चलिए क्या आ रहा है? थिंक ए आना चाहिए। NiBr2 दिया है सबसे पहले, रिएक्ट्स विथ ETPPH2। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तीन ही लिखे हैं। टू गिव रेड कंपाउंड ए, विच सबसे पहले ए मिला है मुझे, NiBr2 से मुझे ए मिला है, विच अपॉन सेंडिंग एट रूम टेम्परेचर टर्न्स ग्रीन, बी मिला है ऑफ द सेम फॉर्मूला, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है और ये आपका रेड है, ठीक है? ओके। द मेजर मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर, ए का मैग्नेटिक मोमेंट है आपका 0.0 और इसका है 3.2। बाकी चीजें कुछ नहीं समझ में भी आई तो भी आंसर आपका यहीं से आ जाएगा। 0.0 है यानी कि डायमैग्नेटिक होना चाहिए, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा आपका? अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो स्क्वेयर प्लेनर, अगर आपका हो जाएगा तो ये क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। अगर डायमैग्नेटिक होगा तो एन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और अगर एन इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी। एन मतलब क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना। तो जहां पर भी आपका स्क्वायर प्लेनर है, देखिए यहां पर है, यहां पर है, ये तो गया, ये तो गया। अब दूसरी वैल्यू है 3.2। अब 3.2 चार लिगेंड्स होंगे तो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल में कैसे? सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भले ही 2.9 है बट 3.2 क्यों आएगी? ड्यू टू ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आ जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, ऑप्शन नंबर ए। सो बाकी के हो जाएंगे गलत। क्लियर? तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, भले ही ऊपर की चीजें अच्छे से समझ में ना आए, कोई बात नहीं, नीचे कुछ ना कुछ तो हिंट दी होती है ना एक क्वेश्चन में।
तो वो पहचानना जरूरी है। क्वेश्चन लंबा लग रहा है, लेंदी है, इसलिए उसको डायरेक्टली छोड़ना नहीं है। हो जाए शुरू। चलिए क्या आ रहा है आंसर इसका? चलिए बताइए, समृद्धि, स्वप्नाली, डिंपल, स्प्रेड पीस, पूजा, सृष्टि, क्या है आंसर? मंजू, केमोफिलिक इज सेइंग डी, ओके। अमृता इज सेइंग वन। चलिए देखते हैं क्या डिफिकल्ट है भाई इसमें, इतना बताइए। चलिए इतना टाइम क्यों ले रहे हैं आप लोग? ये है आपका एक 2K प्लस Ni(F6) 2 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका Ni4 प्लस हो रहा है क्या? यस, अगर ये Ni4 प्लस होगा तो ये बन जाएगा 3D6। अब 3D6 होगा और Ni4 प्लस है ना, अब 4 प्लस में तो ये लो स्पिन में हो जाएगा, तो ये डायमैग्नेटिक बनेगा। और ये क्या है 3K प्लस CoF6 3 माइनस, तो कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी +3, तो ये बनेगा आपका 3D6। अब आपको पता है जब CO3 प्लस होता है वो हमेशा लो स्पिन की तरह काम करता है एक्सेप्ट हैलोजन्स। अब यहां पर आपका हैलोजन है ना, अब हैलोजन है तो ये लो स्पिन की तरह काम थोड़ी करेगा, तो आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ऊपर का है डायमैग्नेटिक और ये है आपका पैरामैग्नेटिक, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो उधर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी, जब +4 में होती है ना +4 +5 तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाई स्पिन नहीं जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा यहां पर सही आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपका ऑर्गेनिक का सेशन शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मंडे से भी हमारी सीरीज शुरू होगी, आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से कीजिए इसको सॉल्व, फिर हमारा ये सेशन एंड करते हैं हम।
चलिए क्या आया आंसर? यस वंशिका इज सेइंग ऑप्शन नंबर सी, वैष्णवी इज सेइंग ऑप्शन नंबर डी. ओके चलिए, वैसे तो मुझे लगता है इससे तो हमारा काम है नहीं. इलेक्ट्रॉनिक जो हमें दिया है एलिमेंट वगैरह नियॉन जो भी है उससे तो काम नहीं है. वैसे काम है मेरा इससे 3D टर्म. एक काम करो, यहां से S की वैल्यू निकालो और L की वैल्यू निकालो. 3D है ना, यहां से एक चीज हमें पता चल सकती है 2S प्लस 1 की वैल्यू. तो ये जो 3 है सो 2S यहां पर हो जाएगा आपका 2, सो देयरफॉर S की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1. S की वैल्यू मिल गई मुझे. और एक चीज क्या पता हो चल सकती है, L की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से SPD. L की वैल्यू 2 आ गई, यस और नो? चलो S की वैल्यू 1 मिल गई, L की वैल्यू आपकी आ गई 2. अब J की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? J के लिए क्या होता है फॉर्मूला? L प्लस एस डॉट 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 टू L माइनस एस. तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 प्लस 1 2 2 माइनस 1. तो ये कितने वैल्यूज आ गए? 3 आ सकती है, 2 आ सकती है और 1 आ सकती है, करेक्ट? सो हमारा जो टर्म सिंबल है वो क्या बनेगा? 3D3, 3D2, 3D1. ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बाकी के तो कट हो जाएंगे. जीरो तो नहीं आ रहा है ना, एल प्लस एस टू एल माइनस एस होता है, बराबर? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, डी नहीं आएगा भाई, सी आ जाएगा. जिन्होंने भी डी लिया है उन्होंने 3D00 कहां से लाया? जे की वैल्यू, जे की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है, एल प्लस एस टू एल माइनस एस होती है ना, तो 3-2-1 हो जाएगी. सो 3-2-1. चलिए सेशन को एंड करते हैं, आपसे अलविदा लेने का वक्त आ चुका है. वैसे भी अब हमारा होगा ऑर्गेनिक का सेशन, नुभय सर यहां पर शुरू करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत. ठीक है, 5 मिनट का आप चाहे तो एक ब्रेक लीजिए, आपका सेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल का भी सेशन होने वाला है, तो कंटिन्यूस ये सेशन चलते रहने वाले हैं, तो कहीं जाना नहीं है आपको. चलिए थैंक यू सो मच. मंडे से भी हमारी ये सीरीज होगी, आपको टाइम पता चल जाएगा हमारे इस चैनल के ऊपर ही, तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल. ठीक है, ये हमारी टेस्ट सीरीज चालू है भाई सेट के लिए. नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम है तो आप जाकर इसको ले सकते हो. वेबसाइट पर जाइए IFS के, खुद को रजिस्टर कीजिए, कोड है हमारा IFS30, तो काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर. चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग. चलिए थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसे लग रहे हैं ये सेशन, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ये नए नए सेशंस लाने के लिए, नए नए क्वेश्चंस आपके लिए बनाने के लिए. ठीक है चल, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया चल रही है तैयारी? और बताइए, आप सभी का वेलकम है IFS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर. और आज हम काफ़ी बेहतरीन फील कर रहे हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं सर, सिर्फ मात्र 6 दिन पकड़ लीजिए. आज का 30 होगा तो 1 दिन और 7 दिन बचे हैं. 7 दिन के बाद जो एग्ज़ाम होने वाली है हमारी,
उस एग्ज़ाम में हम कुछ कर सके, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लगा सके, डायरेक्टली हमें कॉन्सेप्ट समझ सके। यस, क्लियर दिख रहा है सबको? तो सब लोग जुड़ जाइएगा। स्प्रेड स्पीस, पूजा, रसिका, मंजू, डिंपल सिंह, वैष्णवी, जो सभी लोग पढ़ रहे हैं, जुड़ जाइएगा एक साथ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम ऑर्गेनिक का सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग रसिका जी। यस मात्र सर, 7 दिन बचे हैं, क्या किया जाए? 7 दिन बचे हैं, क्या किया जाए? फटाफट रिवीजन की जाए। क्या की जाए? फटाफट रिवीजन की जाए। जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन किए जाए और रिवीजन की जाए। रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। इसके सामने कुछ अलग मत कर लेना। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऋतुजा जी। सावन जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए फिर, सब लोग जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं। थोड़ा सा खा पी लीजिए, क्योंकि नाश्ता अगर हम स्किप करेंगे तो हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन है या न्यूरॉन्स है, उन्हें एनर्जी चाहिए रहती। अगर नाश्ता स्किप करते हैं तो नाश्ता स्किप करने से आपकी मेमोरी थोड़ी थोड़ी लॉस हो सकती है। इसलिए कभी भी आपका सुबह का नाश्ता स्किप मत कीजिए। ये साइंस में लिखा हुआ है कि आपको सुबह उठ के पानी पीना चाहिए और नाश्ता भी करना चाहिए। बादाम भिगो के रखिए, खाइए और अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, रात में भिगो के रखिए बादाम को और सुबह उठ के बादाम के छिलके निकाल कर खाइए, ताकि आपकी मेमोरी बहुत शार्प बने, ताकि आपको सब कुछ याद रहे, है ना? यस समृद्धि, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यस सब लोग जुड़ चुके हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं अपने सेशन पर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं थोड़े से, और चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बेहतरीन आपके सामने प्रस्तुत है। बताइए इसका क्या ऑप्शन रहेगा। लाइफ साइंस, वैष्णवी धरा दे, क्या बोल रही हो? लाइफ साइंस, अच्छा। लाइफ साइंस में कहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है आपको, बताओ? केमिस्ट्री चल रही है, लाइफ साइंस में कहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है? हाँ बढ़िया, चलो चलते हैं और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए आपके सामने सेट में ये क्वेश्चन दिया है, ये सेट में क्वेश्चन दिया है कि डिटरमाइन कीजिए इस स्ट्रक्चर को। ये इसमें से ये प्रोटॉन 1H NMR के सिग्नल्स दिए हैं, डबलेट, ट्रिपलेट और क्वाड्रेट या ऐसे कुछ सिग्नल्स दिए हैं। हमारे पास कितने सिग्नल्स हैं? टोटल 5 सिग्नल्स हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग सुरेखा जी। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सिग्नल्स हैं और हमें ये 5 सिग्नल्स मैच करने हैं। आई एम फाइन सुरेखा जी। हमें ये मैच करने हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है और कौन सा ऑप्शन सही रहना चाहिए और कैसे मैच करेंगे। क्या आपको थोड़ा सा ये DMF जैसे दिख रहा है? जैसे नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं और दोनों मिथाइल ग्रुप्स सिग्नल्स दिखाते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये आपको जो अल्किन दिख रही है, देखिए अगर ये स्टार 4 स्ट्रक्चर को आप गौर से देख रहे होंगे तो ये अल्किन कैसी है? ट्रांस अल्किन है। ये कैसी अल्किन है? ये भी ट्रांस है सर। ये कैसी अल्किन है? ये भी ट्रांस है। ट्रांस और EZ आपको निकालना आता है। ये सारी कैसी है? ई है। ये भी ई है, ये भी ई है, बराबर। अब ये कैसी है सर? दोनों प्रोटॉन सेम साइड में, दोनों बड़े ग्रुप एक साइड में है, मतलब ये सीस है। बताइए जब कपलिंग कॉन्स्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? ट्रांस अल्किन की कितनी वैल्यू होनी चाहिए?
15 हर्ट्ज से ऊपर होनी चाहिए, 15 हर्ट्ज से अबव होनी चाहिए, 15 हर्ट्ज से अबव। और अगर सिस कपलिंग होगी तो सिस कपलिंग में 10 से 12 तक होनी चाहिए, ठीक है, और 15 टू हम इसे कह सकते हैं 15 से ऊपर ट्रांस की, और सिस की कितनी होती है 10 से 12 तक, 12 हर्ट्ज तक होगी, ठीक है। तो देखिए आपको कहीं जवाब दिख रहा है क्या, या आपको हर्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने हर्ट्स है, देखिए 6 हाइड्रोजन, ठीक है, एक सिग्नल दे रहा है, ये 3 हाइड्रोजन एक सिग्नल दे रहा है, कितने सिग्नल, 2, तीसरा सिग्नल ये वाला है सर, चौथा सिग्नल ये, पांचवा ये, और छठवा ये, मतलब 6 सिग्नल है, कितने सिग्नल है, 6 सिग्नल्स। अगर 6 सिग्नल्स है सर तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, देखिए बहुत ही बेहतरीन, 8 हर्ट्स 8 हर्ट्स, 12 हर्ट्स 12 हर्ट्स, 12.3 हर्ट्स, क्या यहाँ पर 15 हर्ट्स दिख रही है आपको, क्या यहाँ पर 15 हर्ट्स अबाउ दिख रही है, नहीं सर। तो अगर 15 हर्ट्स नहीं है तो जाहिर सी है आपका आंसर आ चुका है, कैसे सर, देखिए अगर यहाँ पर 15 हर्ट्स नहीं है तो ट्रांस अल्किन रहनी चाहिए क्या ऑप्शन में, नहीं सर, जो भी ट्रांस अल्किन रहेगी वो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 15 हर्ट्स वैल्यू दी ही नहीं है, अगर 15 हर्ट्स वैल्यू दी ही नहीं है तो ट्रांस वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ सिस वाले ऑप्शन रहेंगे, क्यों, क्योंकि सिस का एटलीस्ट 12.3 तक दे रहा है, या 12 से 14 तक, 13 तक देता है, ठीक है, 12 तक, 12 पॉइंट समथिंग समथिंग तक देता है, ठीक है, 10 से 12, ओके। तो यहाँ से हमें ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं, देखिए ट्रांस अगर सारे एलिमिनेट हो गए तो बचता है सिर्फ एक ही ऑप्शन, वो है सिस वाला, ठीक है। तो आपको 6 हाइड्रोजन दो दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन, ये CH3 वाले, ये 6 हाइड्रोजन, ये क्या देंगे आपको, सिंगलेट देंगे, है ना, ये सिंगलेट देंगे, ठीक है, और ये जो CH3 वाला है हम, वो OCH3 हाइड्रोजन क्या देगा, 3.9 का सिग्नल देगा सिंगलेट, ठीक है, और ये वाले क्या देंगे, ये 6 हाइड्रोजन सिंगलेट देंगे और 3.0 पर देंगे, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो उसके बाद ये एक हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग के एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, ये ए है तो ये भी ए रहेगा, क्योंकि बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री जाएंगी, ये बी है तो ये भी बी रहेगा, अगर एच ए है तो इनका एरोमेटिक का दो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहे हैं, जहाँ पर दो वैल्यू हमें दिख रही है कि एक 6.85 है और एक 7.8 है, तो ये है 2 हाइड्रोजन, ये वाला एक और ये एक, कितने हो गए 2 हाइड्रोजन, ये एक और ये एक, कितने हो गए 2 हाइड्रोजन, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें वैल्यू किसकी भी आप रख सकते हैं, सपोज अभी कार्बोनिल पास में है तो कार्बोनिल अगर पास में होगा तो डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में जाएगा, तो डेल्टा पॉजिटिव सेंटर यहाँ पर क्रिएट हो गया, डेल्टा पॉजिटिव सेंटर अगर क्रिएट हो रहा है तो ये बात नोट करके रख लीजिए, अगर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है कार्बोनिल के साथ और डेल्टा पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर वैल्यू बढ़ गई तो कितनी रहेंगी, 7.8 HA की रहेगी, 7.8, और नीचे वाले जो प्रोटॉन्स हैं ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये HB क्या हो जाएगा, ये HB 7, ये हो जाएगी 6.85, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं तो औरतों पर यहाँ पर इस साइड में इस साइड से OCH3 के तरफ से HB प्रोटॉन्स जो है उनकी वैल्यू कम हो जाएंगी, क्योंकि डेल्टा नेगेटिव सेंटर जनरेट होने वाला है वो कार्बन पर, क्लियर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा इससे, और ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे सर, ये भी डबलेट दिखाएगा इसका, ये भी डबलेट दिखाएगा इसका, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये डबलेट और ये डबलेट। अब ये नाइट्रोजन से अटैच है तो इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेंगी, मतलब 8.0 तक, 8.0 डबलेट दिखाएगा ये 1 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ फिर से, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कौन सी, पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहा है, अगर ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल के कंजुगेशन में जा रहा है
तो ये डेल्टा पॉजिटिव सेंटर यहाँ क्रिएट हो रही, तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज होगी। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बाजू में नाइट्रोजन से अटैच कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नाइट्रोजन के एटम के बाजू में जो हाइड्रोजन रहेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेंगी। तो ज़्यादा रहेंगी तो कितनी, 8.0 है यहाँ, और दूसरा जो प्रोटॉन है उसका 5.8, क्योंकि इधर देखिए ये कार्बोनिल से जुड़ा है लेकिन यहाँ पर कोई हेट्रो एटम नहीं है, तो इसकी कितनी रहेगी, इसकी रहेंगी 5.8 तक, ठीक है, डबलेट देगा ये भी, ठीक है। चलो तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सबको क्लियर है। दो बातें हमें यहाँ से सीखने मिली, कौन सी सर, पहली बात, अगर कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन में कोई डबल बॉन्ड जाता है तो उस कार्बन सेंटर पर डेल्टा पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा, और डेल्टा पॉजिटिव सेंटर अगर क्रिएट होगा तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरी, नाइट्रोजन या हेड्रो एटम कहीं है, उसके बाजू में कार्बन है और उस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन होगा, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर, हाँ बढ़ जाएगी, यस। और अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर OCH3 कोई डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, ये देखिए ये डोनेटिंग है, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव सेंटर क्रिएट करेंगे, जैसे ही ये डेल्टा नेगेटिव सेंटर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएंगी केमिकल शिफ्ट, क्लियर, यस। तो ये आंसर हमारा डी हो जाएगा, सबको क्लियर है, बताइए सुरेखा जी, वैष्णवी जी, समृद्धि जी, सबको क्लियर है, ऋतुजा जी, सावन जी, यस, ईजी ईजी था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन लगाइए और बताइए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इजी था, वैष्णवी, पूजा, वंशिका, स्प्रेड पीस, रसिका, सुमया, मंजू, बताइए, मंजू जी बताइए, क्या ये आपको समझ में आ रहा है, यस बताइए, सुरेखा जी, यस गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से जुड़ के रहिए और बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। अ सिंगल सिग्नल शो द फॉलोइंग लाइन पोजिशन इन 200 MHz NMR सिग्नल, द केमिकल शिफ्ट इज डेल्टा एंड कपलिंग कॉन्स्टेंट इन हर्ट्स रिस्पेक्टिवली आर। ये आपको 4 सिग्नल्स दिए हैं, ठीक है, एक 8.809, एक 803, एक 797 और 791, ठीक है, तो बताइए इसका क्या ऑप्शन आएगा, यस जूम कीजिए सर, ठीक है, दिख रहा है अभी, यस ये ऑप्शन आ जाएगा, देखिए कितने फास्ट है आप सब लोग, काफी फास्ट हो, मोहम्मद, सुरेखा जी, मंजू जी, वेरी गुड, यस वेरी फास्ट, वेरी गुड, यस इजी था, इजी है, काफी इजी है, देखिए इसमें कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने वाला कोई भी सीन नहीं है, बहुत ही इजी है सर ये, अगर देखा जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। इसका वन मीन ले लीजिए, क्या लेंगे, इसका मीन लेंगे, मीन कितना आ जाएगा सर, 800 हर्ट्स, ठीक है, 800 हर्ट्स, तो डेल्टा पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है सर, हर्ट्स अपॉन मेगाहर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स अपॉन मेगाहर्ट्स, अगर हर्ट्स अपॉन मेगाहर्ट्स होगा तो यहाँ पे कितना दिया है हर्ट्स, 800 हर्ट्स, ठीक है, मीन लेंगे हम, इन चारों का मीन लिया है हमने, और मीन लेने के बाद 800 मिला है हमें, तो 800 डिवाइडेड बाय कितना मेगाहर्ट्ज दिया है हमें, 200 मेगाहर्ट्ज, तो 200 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर लिख दीजिए, हर्ट्ज डिवाइडेड बाय मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको बताइए, ये कितना आ जाएगा, 4.0, मतलब डेल्टा वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है, डेल्टा पीपीएम वैल्यू ये आई आपकी डेल्टा पीपीएम 4.0, और 4.0 अगर आ रही है तो ये सब कट जाएंगे बी एंड डी, और आपका ऑप्शन यहाँ पर ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखना है, क्या करना है, इनका डिफरेंस 809 माइनस 803 कितना हर्ट्स होगा, डिफरेंस यहाँ पर 6 का डिफरेंस है सर, कितने का डिफरेंस है, 6 का, 6 हर्ट्स का डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पर 3 हर्ट्स लिखा है जो कि गलत है,
और यहाँ पर 6 हर्ट्स है, तो ये हमारा आंसर सही है सर। क्लियर, इजी, काफी इजी पीजी टीजी। ये शिनचैन को भी आ जाएगा, शिनचैन को भी आ जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। इजी था, काफी इजी था। यस बताइए, इजी था। यस जैसे जैसे एग्जाम पास होते जा रही है सर, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? रिलैक्स रहिए, काम रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, है ना? एकदम रिलैक्स रहना है, प्रेशर को काम रखना है, बिल्कुल आपको जो लगता है वो कीजिए। आपको अगर लगता है एग्जाम के पहले थोड़ा सा मूड फ्रेश रहना चाहिए, तो रिलैक्स रहिए, है ना? बिल्कुल बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ये देखिए, जूम करता हूँ आपके लिए, देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपके लिए। ये एक फ्यूरन है, ठीक है, और दूसरा भी उसके लाइक जैसा है, और बेंजोफिनोन दिया है आपको, PH2CO, एच न्यू कंडीशन दी है, तो बताइए इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? यस यस बताइए इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? आपको बताना है PNQ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहां से हमें एक कंसेप्ट समझने मिलेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। बताइए ये कौन सी रिएक्शन है? पैटर्नो बुच्ची, कौन सी रिएक्शन है? पैटर्नो बुच्ची रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए आपके हिसाब से? कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बताइए, कौन सा ऑप्शन आएगा? यस ये देखिए, ये ऐसा दिया आपको, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो फटाफट से बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको। समृद्धि, मंजू, पूजा, सुरेखा जी, मोहम्मद, यस रसिका जी, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको। यस वैष्णवी बताइए, मोहम्मद सी, वेरी गुड, सी लग रहा है, बहुत बढ़िया है, सी लग रहा है, सी लग रहा है, अच्छा सी लग रहा है, चले गए। हे भगवान, हे भगवान, क्या करें क्या करें क्या करें। मोहम्मद, सुरेखा जी, सौम्या जी, सबको सी लग रहा है, पूजा सबको सी लग रहा है, किसी को अलग नहीं लग रहा है। अरे भगवान, पूजा सबको सी, एक साथ सबको सी लग रहा है। रसिका जी चले गए, भैंस पानी में चली गई, सीधा भैंस पानी में चली गई, डूब गई। अब उस भैंस के ऊपर बैठ के आप सब लोग सी ऑप्शन लेकर भी डूब गए। अब आपको निकालना पड़ेगा बेटा जी कि ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा गलत हो चुका है। क्यों क्यों सर, ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ है? गायत्री वो भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहां पे आपको ऑप्शन दिया है, ये बार्टन रिएक्शन ही है, पीएच कार्बोनिल, पीएच और एच न्यू, ठीक है, पी प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले इसका रेडिकल फॉर्मेशन कीजिए, ठीक है, रेडिकल फॉर्म किया मैंने इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब रेडिकल फॉर्मेशन करेंगे तो यहां एक रेडिकल और ये एक रेडिकल। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि इसमें से स्टेबल रेडिकल कौन सा है और अनस्टेबल रेडिकल कौन सा है। क्या बताना है? इसमें से आपको बताना है कि स्टेबल रेडिकल कौन सा है और अनस्टेबल रेडिकल कौन सा है। ये दोनों कैसे हैं सर? अनस्टेबल रेडिकल है, अनस्टेबल रेडिकल है। तो अनस्टेबल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और ये स्टेबल रेडिकल की रिएक्टिविटी कैसी होगी? बाद में होगी। तो पहले इनका फॉर्मेशन होगा और इनका बॉन्ड बनेगा, इनका बॉन्ड बनेगा तो पहले ये बनेगा।
अब ये सर ये वाला अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है बाजू में, ये रेडिकल के बाजू में ऑक्सीजन है तो वो इलेक्ट्रॉन देने देकर यहाँ पर इसे स्टेबल रख सकता है। और यहाँ पे ये रेडिकल जो है ये दो, ये वाला जो रेडिकल है बीच वाला, ठीक है, दो फिनाइल के बीच में वो रेडिकल फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में उसके साथ स्टेबल होता है टर्शियरी का, टर्शियरी सेकेंडरी जैसे, ठीक है। अब ये सेकेंडरी पीएच जैसा, ठीक है, दो पीएच है तो वहां पर अब ये स्टेबल रख सकता है रेडिकल कॉन्जुगेशन के साथ पीएच के, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन वाला अनस्टेबल है। तो अब यहाँ पर अगर ये अनस्टेबल वाला पहले रिएक्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ, अब ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी इसके साथ मर्ज हो जाएंगे, मतलब ये कॉम्बिनेशन बना कॉम्बिनेशन करेंगे और आपके पास प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, पीएच और पीएच मिल रहा है सर, क्लियर है सबको, यस दिख रहा है, पीएच और पीएच कॉम्बिनेशन हो गया सर। अब हम सेकंड देखेंगे, ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में कैसा दिया है, ठीक है, ये वाला दिया है, ये इसके साथ रेडिकल, ये इसके साथ रेडिकल, और ये कार्बोनिल एज इट इज पीएच पीएच, इसका भी रेडिकल फॉर्मेशन करना पड़ेगा सर, इसका भी, तो ये तो यहां पर क्या बनने वाला है फिर, कार्बोनिल पीएच ऑक्सीजन रेडिकल, ये पीएच रेडिकल मोर स्टेबल है सर, पीएच के साथ जो रेडिकल है कॉन्जुगेशन में वो मोर स्टेबल है। अब यहां पे जो रेडिकल बना है ये अनस्टेबल है ऊपर वाले, तो पहले ये कंबाइन कर जाएंगे, फिर ये कंबाइन कर जाएंगे और ये स्टेबल वाले, ऊपर वाले अनस्टेबल वाले, नीचे वाले स्टेबल वाले, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अनस्टेबल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो पहले क्या होते हैं कॉम्बिनेशन करते हैं, उसके बाद स्टेबल वाले जो है उनकी रिएक्टिविटी कम है तो वो रेडिकल बाद में रिकम्बाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। यस ऐसे ही दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको बताइए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अभी, क्लियर, यस बी आंसर, कौन सा आया, बी आया, ये ऊपर दिखा दिया सर, गलत, वेरी बैड, ये ऊपर दिखा दिया एक में नीचे दिखा दिया, वेरी गलत, बहुत ही गलत ऑप्शन, ये भी ऊपर और नीचे दिखा दिया, ये भी गलत ऑप्शन सर, यस अब समझ में आया कैसे हमें कॉम्बिनेशन करना है, अनस्टेबल रेडिकल का अनस्टेबल रेडिकल के साथ कॉम्बिनेशन करना है और स्टेबल रेडिकल का स्टेबल रेडिकल के साथ कॉम्बिनेशन करना है, तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, पैटर्न ऑफ बुच्ची रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अनस्टेबल रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, स्टेबल रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा, क्लियर क्लियर है, यस सारी चीजें क्लियर हो चुकी है सबको, यस यस वेरी गुड वेरी नाइस बहुत बढ़िया शाबाश। तो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं अभी। अब ये बताइए क्या आप ये बता सकते हैं, ये तो सर स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये हम बता सकते हैं, डाई एसिटल बताइए, एनेंसोटॉपिक डाइस्टेरोटॉपिक या होमोटॉपिक या हेटरोटॉपिक बताइए क्वेश्चन का आंसर, ये आपसे पूछा जाता है, नेट में भी ये सवाल आता है, गेट में भी आता है सर, अभी इस बार के गेट में आया था, क्या पूछा गया था पता है, साइक्लोहेक्सेन बनाया था उसमें पूछा था कि एक्सो प्रोटॉन और एंडो प्रोटॉन दिए थे HA और HB और HC, और पूछा गया था वो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स कौन से है, डाइस्टेरोटॉपिक प्रोटॉन्स कौन से है और इनेंसोटॉपिक प्रोटॉन्स कौन से है। तो इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्ट है, यस तो बताइए ये क्वेश्चन का आंसर, नेट में भी आते हैं क्वेश्चन ऐसा, गेट में भी आता है और सेट में भी आता है, तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइएगा कौन सा प्रोटॉन्स है सर, ये एनेंसोटॉपिक है या डाइस्टेरोटॉपिक या होमोटॉपिक, होमोटॉपिक को ही हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल, क्या कहते हैं हम, आइडेंटिकल, क्लियर
बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप ये सवाल को लगा चुकेंगे तो बहुत ही इजी है। मेरे क्लास के बच्चे बिल्कुल अच्छे से और आराम से बिल्कुल देख के ही बता देंगे कि सर ये आंसर क्या है। क्यों पता है? वो क्या देखेंगे, पहले से ही एक कार्बन, काइरल कार्बन यहाँ बना हुआ है। अगर एक काइरल कार्बन पहले से ही बना हुआ है तो सर हम दूसरा जनरेट करने वाले हैं, और आपसे पूछा है HA और HB का रिलेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाजू में मॉलिक्यूल में देखिए, क्या ये काइरल कार्बन बन जाएगा? यस। क्या ये अभी काइरल है? क्या ये अभी काइरल है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ये इधर इधर इधर, ठीक है, ऐसा। ये बिलो द प्लेन मिथाइल, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे अबव में मिथाइल। क्या ये काइरल है? अभी नहीं है सर, लेकिन हम HB को अगर लिगेंड से रिप्लेस कर दे, और X में क्या ले रहा हूँ यहाँ पर Cl, अगर मैंने यहाँ पर Cl ले लिया, HB का Cl ले लिया, अब बताओ क्या ये काइरल बना या नहीं? बना। क्या ये काइरल बना या नहीं? बना सर। और अगर ये पहले ही क्या था, चेंज करने के बाद दो काइरल बना, मतलब पहले तो काइरल नहीं था, क्या था, कैसा था? अकाइरल था, लेकिन जब हमने लिगेंड एक्सचेंज किया, HB को चेंज किया Cl से, तो ये क्या बन गया? काइरल। अब हमने HB को चेंज किया सर, सिर्फ HA को भी तो चेंज करना पड़ेगा। HA को चेंज कर दीजिए, X ले लीजिए Cl, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया यहां पर, इसे Cl इसे ले लिया, मतलब आपको यहां पर क्या आएगा? क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है? क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है? तो निकाल दीजिए कि इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्या आप बता सकते हैं इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? यस, बता सकते हैं तो बता दीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 आर आएगा सर, इधर 1 2 3, इधर 1 क्यों दिया मैंने नीचे में, क्योंकि इधर ऑक्सीजन के बाद कार्बन को Cl लगाए, इधर ऑक्सीजन के बाद CH2 लगाए, इसलिए 3 और ये 4, 1 2 3, ये कैसा आया? S। यहाँ पे अगर मैंने Cl देखो, मैंने Cl यहाँ पर अबव में लिया है, यहाँ पे बिलो में लिया है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मतलब S आ जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था ऊपर में? S था सर, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? HA and HBr डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन कैसे सर? देखिए यहाँ पर दो सेंटर थे R और S, और यहाँ पर दो सेंटर थे, और इन चारों सेंटर्स में से क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? जब भी डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे तो वहाँ पर तीन सेंटर्स कैसे होंगे सर? सेम, और एक सेंटर डिफरेंट होगा बेटा जी। क्या होगा? डिफरेंट। कैसा होगा? डिफरेंट होगा, एक सेंटर डिफरेंट होगा, बाकी तीन सेंटर सेम होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। क्या कहते हैं उसे? डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, क्लियर। तो यहाँ पर डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, ये HA एंड HB का रिलेशन क्या निकल के आएगा? डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स है, ये कौन से है? डाइस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स है। और ये हमें कैसे पता चला सर? यहाँ पे तीन सेंटर जो रहेंगे वो सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे, ठीक है। यस, क्लियर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट, ए नहीं रहेगा, सी नहीं रहेगा, और डी तो नहीं रहेगा सर। डी ऑप्शन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यस, इजी। जीनत खान, जीनत जीनत, काफी दिन बाद मिल रहे हैं, कैसे है आप जीनत? क्या आप वही जीनत है MIT वाली, या कोई और सी जीनत है? बताइए। बढ़िया, नेक्स्ट 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 देखें, क्लियर है सबको? यस सर। बताइए ये क्वेश्चन कौन सा है?
ये क्वेश्चन कौन सा है और इसका ऑप्शन क्या आएगा, फटाफट से बताइए। आपको ये सवाल दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें ये कौन सी रिएक्शन है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, बताइए। समृद्धि, मोहम्मद, सौम्या, पूजा जी, बताइए। वैष्णवी जी, स्वाति जी, सुरेखा जी, पूजा जी, रसिका जी, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है। काफी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते चलिए फटाफट से, मजा आ रही है, जुड़ते चलना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सेट वाले, सेट जो प्रिपेयर करते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं उनको ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी पसंद है, बताइए। क्या ये रिएक्शन आप पहचान सकते हैं जो मैंने बताई है। इसमें को प्रीअरेंजमेंट दिया है, 2+2 साइक्लो एडिशन दिया है, 4+2 साइक्लो एडिशन दिया है, डाइबाइमिथेन रीअरेंजमेंट दिया है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सी रिएक्शन बन रही है। ये आपको रिएक्टेंट भी दिया है, कंडीशन भी बताया है इतनी हुआ है, और प्रोडक्ट भी फॉर्म किया है, बस आपको रिएक्शन का नाम बताना है। यस, बताइए कौन सी रिएक्शन है ये, क्या नाम है इसका। इजी, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका, फटाफट से बताइए क्या ऑप्शन होगा। क्या लगता है, समृद्धि, मंजू, पूजा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। यस, जीनत, बताइए जीनत कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए जीनत। डी सोमनाथ ने बताया है नो, अच्छा मंजू ने बताया कि डी ऑप्शन होगा सर, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट होगी। तो डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट अगर ये है तो कैसे हो रहा है, ये देखिए ये रेडिकल और ये रेडिकल यहां पर फॉर्म हो रहा है, ये रेडिकल और ये रेडिकल होमोलाइटिकली क्लीवेज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो नोट करके कॉपी में लिख लेना, एक चीज में नोट करके लिख लेना कॉपी में, मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं तो वो चीज आपको शायद काम में आने वाली है, ठीक है। ये एक रेडिकल यहां है, एक रेडिकल यहां है, एक रेडिकल यहां है और एक रेडिकल यहां है बेटा जी, ठीक है। अच्छा डी लग रहा है, वेरी गुड, डी लग रहा है, डी होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट में दो डबल बॉन्ड होते हैं, उनका हम रेडिकल फॉर्म करते हैं, तो ये कौन सी है, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट में। क्यों, क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड दो होते हैं और उस दो डबल बॉन्ड का हम होमोलाइटिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का होमोलाइटिकली करते हैं डिवाइडेशन। जैसे ही होमोलाइटिकली क्लीव करेंगे हम और उनका रेडिकल रिकॉम्बिनेशन करते हैं और एक थ्री मेंबर की रिंग बनाते हैं, ठीक है। एक क्या करते हैं हम, थ्री मेंबर की रिंग बनाते हैं। जैसे ही हम रिंग बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ से तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये साइनाइड है, ये साइनाइड है और यहाँ पर आपका रेडिकल रेडिकल है। अब जो जो बॉन्ड हमने बनाया है वो कैसा है सर। अब एक चीज बताऊ, मैं बताऊ, ये देखिए ये जो साइनाइड है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब मोर स्टेबल रेडिकल है, समझ में आ रहा है। यस सर,
अब ये बॉन्ड तो हम तोड़ नहीं सकते, हम डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट में प्रोसेस क्या करते हैं, पहले हम रेडिकल रेडिकल का कॉम्बिनेशन करके थ्री मेंबर रिंग बनाते हैं, उसके बाद हम वो जो बॉन्ड बनाया वो हम तोड़ते नहीं, हम दूसरा बॉन्ड तोड़ते हैं, मतलब या तो ए बॉन्ड तोड़ना है या तो बी बॉन्ड तोड़ना है। अब हमें ये ए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा सर, और इसका रेडिकल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, यहां से हमें कैसे ऑप्शन मिलेगा देखिए, अब बहुत ही बेहतरीन रिंग आपको फॉर्म होते हुए दिखने वाली है, ठीक है। और ये रेडिकल यहां आ जाएगा, ये साइनाइड यहां, और यहां पर एक रेडिकल यहां है और साइनाइड और एक रेडिकल यहां। तो बेटा जी यहां से आपको क्या दिख रहा है देखिए, अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो ये रेडिकल का कॉम्बिनेशन होकर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, या जैसे ही डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो मैं इसे अंदर से दिखा देता हूं, ठीक है। अब और इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है, ये रेडिकल और ये रेडिकल का अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो यहां पर आपको एक कौन सी रिंग दिखेगी देखिएगा, एक आपको कौन सी रिंग दिखेगी, एक ये फाइव मेंबर रिंग दिख रही है, एक फाइव मेंबर की रिंग दिख रही है, और एक आपको थ्री मेंबर की रिंग दिखेगी जो कि ऐसे है, इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मतलब अगर हमने कॉम्बिनेशन किया तो यहां पर दूसरी एक फाइव मेंबर की और यहां पर एक साइनाइड ऐसे दिखा देता हूं मैं, और ये फाइव मेंबर की रिंग, और यहां पर इधर लगाए तो मैंने उल्टा बना दिया, उसे घुमा के ऐसे लिख दिया, तो ये साइनाइड आपको यहाँ दिखेगा। मैंने बस रिंग को फ्लिप कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे, तो ये इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो मर्ज वाला कार्बन है जहाँ पर तीन एटम जुड़े हुए हैं तो वो वाला ये वाला है, ठीक है। और ये वाला जो जुड़ा वाला था वो ये वाला कार्बन था, और ये साइनाइड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। ये 4+2 नहीं है, 2+2 नहीं है, और कोप रीअरेंजमेंट ऐसी होती ही नहीं है, क्योंकि कोप रीअरेंजमेंट में 3+3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हरी अप गाइस, ये एक्सक्लूसिव लेक्चर सीरीज है, ifsonline.com पर जाइए, 9172266888 पर कॉल कीजिए अगर कुछ क्वेरी है तो, ठीक है। यस, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज दी है, जस्ट 199 रुपीज, फ्लैट 30% ऑफ, और प्रोमो कोड यूज करना है IFS30। नेक्स्ट बताइए ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, sp3 कार्बन है ना सर? यस sp3 कार्बन है, यस मंजू sp3 कार्बन है, क्लियर हुआ ना वो इजीली, अच्छे से हुआ क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं उसमें, बहुत ईजी था, यस बहुत ही इजी सवाल था वो सर, कोई भी तकलीफ नहीं थी उसमें, कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी, इजी था वो। डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट में बस प्रोसेस क्या हो रही है वो हमको ध्यान रखना है, पहले दो डबल बॉन्ड का होमोलाइटिकल क्लीव हुआ, फिर तीन मेंबर की रिंग बनाते हैं, फिर एक बॉन्ड तोड़ते हैं, फिर डबल बॉन्ड बनाते हैं एक साइड में, और दूसरे साइड में फिर से थ्री मेंबर रिंग बन जाती है, तो ये प्रोसेस है डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट की, भूलना मत, ये आ सकता है क्वेश्चन। यस बताइए फिर इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन लग रहा है, अच्छा सुरेखा जी गुड वेरी गुड, मंजू जी क्लियर है आपको, यस रसिका जी बी ऑप्शन, यस अभी आप सही जा रहे हैं, वेरी गुड, अभी आपको अब आप सही जगह पर जा रहे हैं, सही लग रहे हैं, सही क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, आंसर आपके करेक्ट आ रहे हैं, समृद्धि वेरी नाइस गुड, रसिका जी गुड, सुरेखा जी गुड, एवरीवन ईच एंड एवरीवन वेरी गुड, सही कर रहे हैं आप, आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं,
चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। ये कार्बोनिल एचन्यू कंडीशन वाला है, फोटोकेमिकल कंडीशन। फोटोकेमिकल कंडीशन में कैसा होगा, कार्बोनिल होगा और ये यहाँ पर CHME2 चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोनिल ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा है, तो ये रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से हमने होमोलैटिकली क्लीव किया, तो ये एचन्यू कंडीशन में होमोलैटिकली क्लीव किया तो ये हमें मिल रहा है। मतलब सी ऑप्शन फर्स्ट का होना चाहिए, सी ऑप्शन फर्स्ट का होना चाहिए तो ये तो नहीं है, सी ऑप्शन फर्स्ट का होना चाहिए तो ये तो नहीं है सर। अब ये होमोलैटिकली क्लीव हुआ, अल्फा क्लीवेज हुआ, क्या हुआ, अल्फा क्लीवेज। और अल्फा क्लीवेज क्या करते हैं हम, क्लीवेज नरिश टाइप वन में करते हैं। क्या करते हैं, नरिश टाइप वन में करते हैं। तो सेकंड क्या दिख रही है सर, सेकंड बहुत ही इजी है, देखिए ओ एन ओ दिख रहा है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हाइड्रोजन प्रोटॉन, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन। कौन सा डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन होता है सर, कहाँ पर, कौन सी रिएक्शन में डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन होता है, बार्टोन रिएक्शन में डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन होता है। तो इसका आपको कहाँ मिल रहा है ऐसा कुछ ऑप्शन, इसका ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, डी ऑप्शन होना चाहिए इसका, है ना। ये देखिए ये ऑक्साइम बनता है उसका डेल्टा पोजीशन पर और उसके बाद में इसका एल्डिहाइड बन जाता है जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यस, तो इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ पर बी दिया है सर जो कि गलत है। और थर्ड सबसे इजी सर, यहाँ पर OSE दो ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पे OSE दिख रहे हैं, बहुत इजी है सर। और एक डबल बॉन्ड, दो और तीन, चार डबल बॉन्ड है, ये इधर और ये इधर, कितने बॉन्ड हो गए डबल बॉन्ड, एक दूसरा तीसरा और चौथा, चार डबल बॉन्ड। तो ए ऑप्शन होना चाहिए थ्री का, तो ए ऑप्शन थ्री का सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो और दूसरा कोई है नहीं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट और सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लियर, यस जीनत, वेरी नाइस, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड, सब लोग सही ऑप्शन दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। और लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, यस। नेक्स्ट ये बताइए, क्लियर है सबको, क्लियर है ऑप्शन, यस। तो ये आपको प्रोडक्ट दिया है और आपको ए पूछा है, मतलब रिएक्टेंट पूछा है बेटा जी। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, अभी अभी आपको रिएक्टेंट पूछेंगे, प्रोडक्ट दे के रखेंगे और प्रोडक्ट देके बोलेंगे कि रिएक्टेंट निकालो, मतलब रेट्रोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं हम इसे, रेट्रोसिंथेसिस, क्या कहते हैं इसे, रेट्रोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो बताइए रेट्रोसिंथेसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वैष्णवी मंजू बताइए सब लोग कि रेट्रोसिंथेसिस में हम क्या कहते हैं, करते क्या है इसमें प्रोसेस में, रेट्रोसिंथेसिस प्रोसेस में बताइए, रेट्रोसिंथेसिस प्रोसेस में वैष्णवी, स्वाति, मंजू, सुमैया, समृद्धि, रसिका, सुरेखा जी, मंजू जी, पूजा जी बताइए, जीनत जी बताइए कि कौन सा यहाँ पर आपको बनेगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बताइए, क्या आप ऑप्शन बता सकते हैं, इजी है, बहुत ही पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चन है सर ये, फोटोकेमिस्ट्री के, फोटोकेमिकल नरिश टाइप रिएक्शंस के बहुत ही आसान से सवाल है। कैसे हैं, आसान से सवाल है, आपको रिएक्टेंट बताना है और उससे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। क्या इससे, इस फर्स्ट वाले रिएक्टेंट से क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या इससे प्रोडक्ट बन पाएगा, देखिए क्या आपको लग रहा है ये होमोलैटिकली क्लीवेज कौन सा है, नरिश टाइप टू है या नरिश टाइप वन, नरिश टाइप वन है, नरिश टाइप टू नहीं कर सकते, उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो डेल्टा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन तो हुआ नहीं है, ठीक है, अगर हुआ होता तो कुछ प्रोडक्ट हमें डिफरेंट दिखता, तो यहाँ पर क्या हुई है, नरिश टाइप वन हुई है, अगर वन भी हुई है तो यहाँ से ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा फर्स्ट में। तो किससे हो पाएगा, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं कि किससे हो पाएगा, अगर आप ये ऑप्शन को चेक करते हैं, इस ऑप्शन को, बी से हो पाएगा क्या, बी से कैसे होगा, ये sp2 कार्बन पर रेडिकल कोई बन ही नहीं पाएगा, और अगर आप इस साइड से करेंगे तो इस साइड से भी वो बन नहीं पाएगा, चार मेंबर की रिंग बन जाएगी अगर इनमें होगा तो ये तो नहीं होगा सर।
दूसरा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टू फॉर्म टू और मोर सिंथोन्स, यस सिंथोन्स। अब यहाँ पर इसका अगर ब्रेक हम करेंगे तो यहाँ पर कार्बन ही नहीं है सर, और कार्बन नहीं है तो यहाँ पर थ्री मेंबर की रिंग बन नहीं सकती। अगर हम इसका क्लीवेज करें सी ऑप्शन का तो देखते हैं क्या होता है। सी ऑप्शन का हम क्लीवेज ऐसे बॉन्ड का अल्फा क्लीवेज करने के बाद यहाँ पर कार्बन और ये रेडिकल, देखिए बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन हो गया। ये रेडिकल और ये रेडिकल कॉम फॉर्म करेंगे, यहाँ पर दो रेडिकल बन जाएंगे, एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल यहाँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेडिकल को कार्बोनिल के साथ, अब देखिए ये रेडिकल और ये रेडिकल बन के थ्री मेंबर रिंग बनाएंगे, और ये रेडिकल मिलके फाइव मेंबर की रिंग बनाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5। तो आपके पास ये एक थ्री मेंबर की रिंग बनेगी, कौन सी, 4 5 और ये 6 वाला का, ठीक है 4 5 और 6 की रिंग बनेगी, और ये फाइव मेंबर की रिंग बनेगी, और यहाँ पर डायरेक्टली कार्बोनिल अटैच है, क्लियर। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट दिख रहा है या नहीं, यहाँ से हमें प्रोडक्ट दिख रहा है या नहीं, यस सर। तो यहाँ पर ये है थ्री मेंबर की रिंग और ये कार्बोनिल ऐसे, तो ये प्रोडक्ट बना या नहीं बना, यस सर। तो कौन से ऑप्शन से बना सर, ये बना सर सी ऑप्शन से, कौन से ऑप्शन से, सी ऑप्शन से। तो यहाँ पर नरिश टाइप वन अल्फा क्लीवेज करना है, क्या करना है, नरिश टाइप वन अल्फा क्लीवेज हमें करना है। क्या हम यहाँ पर ये कर पाएंगे, इससे कर पाएंगे, नहीं सर इससे नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर थ्री मेंबर की रिंग बनी नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड तो पहले से ही बना हुआ है, तो ये भी नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं, और ये इससे भी हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी एस थ्री पर रेडिकल फॉर्म नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में सी एस थ्री पर रेडिकल फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से हम प्रोटॉन नहीं ले रहे अभी, उसमें वो कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा वाला का अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन बीटा हाइड्रोजन हम अब्स्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, क्लियर, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट, क्लियर है आपको वो, ओके बताइए ये ऑप्शन कौन सा है, क्या आप इसमें इस सवाल को लगा के बता सकते हैं सर, सवाल को लगाइए और प्राइज लेकर जाइए, सर्टिफिकेट लेकर जाइए, सवाल को लगाइए और प्राइज लेकर जाइए, चॉकलेट, कैडबरी डायरी मिल्क, ठीक है डार्क चॉकलेट, डायरी मिल्क नहीं सर, डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट लेके जाइए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं, यस इजी कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, यस कोशिश करते रहना है और मन से कभी हारना नहीं है, बस अंदर एक ही जुनून रखना है कि हम करके रहेंगे सर, यस करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए हम करके रहेंगे, है ना, यस। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप बता सकते हैं, ये ऑप्शन ए है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको, क्या आप बता सकते हैं, पहली रिएक्शन कौन सी है, पैटनोबुची रिएक्शन है, दूसरी ओजोनोलाइसिस, तीसरी अल्डोल रिएक्शन, क्या आप कर सकते हैं तीन रिएक्शन एक साथ, यस कर पाएंगे या नहीं, कर पाएंगे सर, डेफिनेटली कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, यस डेफिनेटली कर पाएंगे, तो करके बताइए कि कैसे की जाएंगे, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, सी ऑप्शन लग रहा है, ओके सुरेखा जी को सी लग रहा है, बाकी सब लोग, मंजू जी, रसिका जी, समृद्धि जी, सौम्या जी, बताइए, जीनत जी, यस वैष्णवी जी, मंजू जी, स्वाति, पूजा, वैष्णवी, यस बताइए, समृद्धि जी ने बताया ई ऑप्शन, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है
CH3, CHO और HNU दिया है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड दिया है हमें O3, ME2S, ओजोन लाइसिस। थर्ड हमें दिया है एक्वस, NaOH और लास्ट में हमें हीट दिया है, ठीक है, मतलब अल्डोल रिएक्शन। अगर जिसने ये पहचान लिया वो आंसर अपने आप बता सकता है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट रिएक्शन है सर कौन सी, पैटर्न गुच्छी रिएक्शन, CH3 और हाइड्रोजन। इनका रेडिकल कॉम्बिनेशन होगा, पहले रेडिकल बनाएंगे, रेडिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। जैसे ही रेडिकल कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहां पर रेडिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये रेडिकल और यहां पर कार्बोनिल का रेडिकल और ये हाइड्रोजन, ये CH3 का रेडिकल। अब CH3 कहाँ लगाई जाए, कि यहाँ लगा जाए कि यहाँ लगा जाए, कौन सा रेडिकल लगाएगा? अब ये रेडिकल एक है, रेडिकल ये है। यस जीनत खान, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है और ये एक रेडिकल है और ये एक रेडिकल है। कौन सा? ये टर्शरी रेडिकल है, ये भी टर्शरी रेडिकल है। तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन अनस्टेबल, अनस्टेबल के साथ, ठीक है, और स्टेबल, स्टेबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा और ये CH3 आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। H को दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस CH3 भी ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ से हम ओजोन लाइसिस करेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं सर, हम डबल बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन इधर दे देंगे, एक ऑक्सीजन इधर देंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 1 पर देखना यहाँ पर CH3 भी है तो ये कीटोन बनेगा और इधर एक हाइड्रोजन लगा है तो इसलिए यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। इस साइड में क्या बनेगा सर, एल्डिहाइड। यहाँ पर कीटोन बन रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5 में यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कीटोन बना है, ये एज इट इज, ये कार्बोनिल एज इट इज, ये यहाँ पर CH3 एज इट इज, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब यहाँ पर दिया है हमारे पास NaOH, एक्वस NaOH, मतलब बेस है। बेस का काम क्या है सर, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। प्रोटॉन कहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेंगे सर, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से, मतलब यहाँ से प्रोटॉन लेंगे, ये इनोलेट फॉर्म करेगा, इनोलेट फॉर्म करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक बन गया है। अब वो एक इलेक्ट्रोफाइल देखेगा और एक कार्बोनिल देखेगा और उस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्डोल रिएक्शन, और ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो 1, 2, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पर 5 कार्बन और यहाँ पर 6, मतलब एक 6 मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर ऐसे, 3, 4 मेंबर की एक रिंग ऐसी है, एक ऐसी रहेंगी CH3 CH3, इन दोनों को दिखाऊंगा नहीं मैं। यहाँ पर ये 1 है, इसे 1 लिख देता हूँ, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6। तो जहाँ पर अटैक हो रहा है सर वहाँ पर O- होकर OH हो जाएगा और जहाँ पर 2 पर कार्बोनिल है सर, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है सर फिर से, मतलब अल्डोल रिएक्शन में अब फिर से NaOH है तो NaOH क्या करेगा सर, फिर से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस और ये इनोलेट फॉर्म करेगा और इनोलेट फॉर्म होने के बाद यहाँ पर ये इनोलेट कैसा है सर, कौन सा एलिमिनेशन होगा यहाँ से, फिर ये H2 बन जाएगा, वाटर से वर्कअप ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इनोलेट यहाँ से कॉन्जुगेशन में जाके वापस आता है, वापस आने के बाद यहाँ से इसे निकाल देता है, मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है सर। और एलिमिनेशन कौन सी हो रही है सर, E1CB कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, कौन सी हो रही है एलिमिनेशन, E1CB कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म हो, एलिमिनेशन हो रही है। और जैसे ही एलिमिनेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड O कार्बोनिल यहाँ पर और एक मिथाइल तो मैंने छोड़ तो नहीं दिया, नहीं सर बाकी सब सही है, यस सर, क्या कुछ छूट गया है, नहीं सर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन बन जाएगा। क्या यही सबका बना है, क्या यही सबका ऑप्शन बना है, कौन सा ऑप्शन बना है, ए सर, कौन सा बना, ए ऑप्शन, बाकी सारे रॉन्ग हो चुके हैं। इसलिए आपको कार्बन खाना नहीं है, अगर भूख लगी है तो खाना खा लो, कार्बन मत खाओ,
ठीक है, कार्बन खा लेंगे तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और अगर ऑप्शन गलत हो गए तो मार्क कट जाएंगे बेटा जी, ठीक है। इसलिए कार्बन मत खाना, कार्बन जितने हैं नंबरिंग देकर बनाओ, ठीक है। समझ में आया सर? वेरी गुड, समझ में आया अच्छे से? यस। तो यहाँ पर इवन सीबी कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म एलिमिनेशन हुई, पहली रिएक्शन पैटर्न ओबुच्ची हुई, पैटर्न ओबुच्ची रिएक्शन, दूसरी ओजोन लाइसिस हुई, और तीसरी हुई अल्डोल रिएक्शन। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करते जाना है, और कार्बन बिल्कुल भी खाना नहीं है, ठीक है। यस, खाना खा लेना, कार्बन मत खाना। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बताइए कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन देखकर फटाक से आंसर आना चाहिए। सर NaOCl, NaOCl, हाँ, कौन सी, ये है बार्ट, कौन सी? बार्टन, बार्टन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? बार्टन रिएक्शन, 2+2 देन अल्डोल, वासुमित्रा शुक्ला। ओके, 2+2 आप बोल रहे हैं वो बार्ट, ये बार्टन रिएक्शन है, और ठीक है। यस जीनत समृद्धि, वेरी गुड, बार्टन रिएक्शन, बार्टन। सर बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है ये, और इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा जी? आप देख के बता सकते हैं सर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होकर वहां पर क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा। बस क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है बताइए? बार्टन रिएक्शन है तो ए बी सी डी में से कौन सा है? प्रांजलि बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर बार्टन रिएक्शन में क्या होता है ना, सबसे पहले वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बार्टन रिएक्शन तो हमें पहचान में आ चुकी है, लेकिन बार्टन रिएक्शन कभी भी आ सकती है, तो उसे हमें देखना पड़ेगा। तो बार्टन रिएक्शन में क्या यूज करते हैं हम? NaOCl और HNO कंडीशन में, और सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पर H3O+, ठीक है, एसिडिक कंडीशन, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है सबका। तो फटाफट से इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं एकदम फास्ट में। ये है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होता है, यहाँ से ये रेडिकल फॉर्म होता है, ये रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ये रेडिकल नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करता है ओ ऑक्सीजन, और ये Cl होगा सर। ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे देता है, Cl यहाँ से चले जाता है, तो Cl यहाँ से चले गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये एक रेडिकल नाइट्रोजन के साथ बना लेता है, क्या कर देता है? एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, तो ये इसके साथ नाइट्रोजन के साथ रेडिकल बना लेता है। जैसे ही यहाँ पर अटैच होता है तो ये ऐसा होता है, फिर इसके साथ एक ये रेडिकल ऐसे फॉर्म होगा, फिर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होगा तो एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, फिर ये नाइट्रोजन इसके साथ यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन हो जाता है इसका, और जैसे ही ये यहाँ पर अटैच हो जाता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ये ऐसा कुछ बन जाता है, और ये कीटो इनल्ट ऑटोमेटिज्म दिखाता है। कहाँ से? ये यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये इनॉल कीटो ऑक्साइम बनाता है, क्या बनाता है? यहाँ से ऑक्साइम बनाता है और यहाँ पर OH हो जाता है। यहाँ पर ऑक्साइम बनाया, OH बनाया, और यहाँ पर रेडिकल हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। जैसे ऑक्साइम बनाए, फिर इसमें हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे तो यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर? एल्डिहाइड। बहुत ही क्लियर रिएक्शन है सर, ये काफी अच्छी रिएक्शन है, डायरेक्टली यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा कुछ बनता नहीं है, ऐसा कुछ बनता नहीं है, क्लियर? यस, इजी था, काफी इजी था सर। अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है। नेक्स्ट चले, यस इजी, यस वेरी गुड। ये बता दीजिए ये कौन सी रिएक्शन है? मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन इज, एक आयोडीन दिया है और एक SnMe3 दिया है, तो कौन सी रिएक्शन है बताइए? क्या आप बताते हैं, बता सकते हैं इस CO का क्या काम है? PDPPH3 और CO दिया है 1,4-dioxane 2,3-ATM, क्या नाम है इसका?
और ये सीओ क्यों दिया है? जब भी सीओ दिया जाता है रिएक्शन में तो हम क्या करते हैं बेटा जी बताइए? सीओ का इंसर्शन करते हैं। और इंसर्शन कौन सी रिएक्शंस में होता है? क्या वो रिएक्शंस में होती है या वो कोई कपलिंग रिएक्शंस है? बताइए ना। स्टील ए कपलिंग, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। स्टील ए कपलिंग, यस, स्टील ए कपलिंग। एक सेकेंड रुकना जरा। यस, स्टील ए कपलिंग। जब भी सर मेटल, कौन सा मेटल है यहाँ पर? यहाँ पर मेटल जो है SN है, टिन। टिन मेटल कौन सी कपलिंग में होता है सर? टिन मेटल कौन सी कपलिंग में होता है? स्टील ए में होता है। ठीक है, कौन सी कपलिंग में होता है? स्टील ए में होता है। Mg किस में होता है सर? कुम्हाड़ा में होता है। ठीक है, Zn किस में होता है सर? निगिशी में, निगिशी, निगिशी। ठीक है, और बोरॉन किस में होता है सर? बोरॉन, बोरॉन किस में होता है? सुजुकी, सुजुकी। ठीक है, और टोस सुजुकी वगैरह आपने पढ़ी होगी बहुत सारी, है ना? और कौन सी रिएक्शन है? बहुत सारी रिएक्शन है। और एक सिलिका भी है, ठीक है, सिलिकॉन भी है, वो किस में होता है सर? हियामा। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस है, कपलिंग है। अब कपलिंग को यहाँ से निकालो, इस आयोडीन को, हैलोजन को यहाँ से निकालो, इससे जोड़ दो। लेकिन बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एरो पर आपको कार्बोनिल दिया है तो इनके बीच में कार्बोनिल जोड़ देना और इसे निकाल देना। क्या करना है आपको, देखिए, हैलोजन को इसके पोजिशन से रिमूव करो और इस मेटल को यहाँ से रिमूव करो, इस ये पूरा बॉन्ड रिमूव करो, ये पूरा बॉन्ड रिमूव करो और इसके जगह कार्बोनिल हमें इंसर्ट करना है। बस क्यों कार्बोनिल इंसर्ट करना है सर? क्योंकि यहाँ पर आपको कार्बो सीओ ग्रुप दिया है, कार्बोनिल ग्रुप दिया है, कार्बोनिल ग्रुप और सीओ होगा तो सोनो गैसीय कपलिंग। कौन सा सीओ होगा तो सोनो गैसीय, सीओ होगा तो सोनो गैसीय, गैसीय सोनो गैसीय। और हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हेक कपलिंग। ठीक है, यस, वेरी गुड। और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हेक कपलिंग। यस, वेरी गुड। तो ये रिएक्शन आपका रिवीजन यहीं पे हो चुका है बेटा जी। बहुत सारी रिएक्शंस है ऐसी कपलिंग। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये देखिए, अगर ये सीओ दिया है आपको तो याद रखना आप, इस सीओ का इंसर्शन हो जाएगा बीच में, मतलब ये बॉन्ड इससे जोड़ो, ये बॉन्ड भी इससे जोड़ो, बात खत्म करो। कपलिंग में इंसर्शन, ट्रांसमेटलेशन ये सब मत करते बैठो, डायरेक्टली डायरेक्टली जोड़ो, डायरेक्टली तोड़ो और जोड़ो वाला काम करो। ठीक है, यस, तोड़ो और जोड़ो। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखिए, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सी। क्या यह कार्बोनिल है? नहीं है सर। क्या यह कार्बोनिल है? नहीं है सर। क्या यह कार्बोनिल है? सर, लेकिन इन्होंने डबल बॉन्ड को पहले जोड़ दिया सर और बाद में कार्बोनिल अटैच किया है यहाँ पर, जो कि गलत है। ठीक है, सबसे पहले आपको सीओ का इंसर्शन करना है बीच में, उसके बाद में जो आपको दिया गया है उसका इंसर्शन करना है। ठीक है, क्लियर है, आ जाएगा, इजी इजी ट्रिक, इजी है ट्रिक, इजी है, यस, आ जाएगी आपको, यस। चलिए नेक्स्ट चले, यस, सी ऑप्शन, वेरी गुड, सबने सही दिया है, यस। तो ये ऑप्शन बता दीजिए, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बता दीजिए फटाफट से, धड़ाधड़ आंसर, गोली की रफ्तार से आंसर दीजिए और उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है और कौन सा आंसर यहाँ पे बनने वाला है। याद नहीं करना है, याद नहीं करना है हमें,
हमें याद नहीं करना है क्वेश्चन के आंसर, हमें कंसेप्ट समझ लेना है। हाँ यही ऋतुजा, जैसे मैंने याद रखा था वैसे ही मैं ट्रिक भी बता दूंगा, एक बार ट्रिक भी बता दूंगा, कौन सी ट्रिक है वो भी बता दूंगा, ठीक है, कैसी ट्रिक है वो भी याद करने की बता दूंगा, ठीक है। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हाइड्रोजन और ये टिन हाइड्राइड है ना सर, Bu3 टिन हाइड्राइड, और तो टिन का हेलोजन के साथ फेसिबल बॉन्ड बनता है, कैसा बनता है, फेसिबल बॉन्ड बनता है, इसलिए ये यहाँ से ब्रेक करता है और ये यहाँ से ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन इस रेडिकल के साथ, हाइड्रोजन इस रेडिकल मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और AIBN आ गया, मतलब कौन सी रिएक्शन है सर, रेडिकल रिएक्शन है। इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि टर्शियरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड अगर दिख गया और AIBN दिख गया, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, रेडिकल रिएक्शन है और इसमें रेडिकल फॉर्मेशन होने वाला है। तो इसके साथ इसका हेलोजन का रेडिकल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो ये BR रेडिकल और ये ऐसे यहाँ पर रेडिकल हमारे पास हमें मिलता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर कार्बोनिल बनाएंगे, ये CH3 ये CH3 ये एज इट इज कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एक रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, और ये एज इट इज डबल बॉन्ड और इसका भी हम रेडिकल क्लीवेज कर देंगे, तो यहाँ पर एक रेडिकल यहाँ पर एक रेडिकल, फिर ये रेडिकल और ये रेडिकल का कॉम्बिनेशन कर देंगे, तो नंबर हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बनेगी और इस हाइड्रोजन को इस रेडिकल को एक हाइड्रोजन रेडिकल मिल जाएगा। कौन सा है ये हाइड्रोजन रेडिकल, ये टर्शियरी ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड वाला जो रेडिकल है हाइड्रोजन का, वो रेडिकल फॉर्म हो जाएगा इसके साथ और 6 मेंबर की रिंग एक मिल जाएगी हमें। क्लियर? यस सर, इजी है, इजी पीजी टीजी क्वेश्चन था ये, कैसे था सर, इजी। ये मिथाइल और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह और यहाँ पर CH3 है, तो नंबरिंग भी लिख देना 1 2 3 4 5 6। कभी आप नंबरिंग से करना ताकि आपके कार्बन खाए ना जाए, काई चले ना जाए, ठीक है। तो नंबरिंग से अगर आप करेंगे तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी प्रोडक्ट फॉर्म करने में, ठीक है। तो इसलिए नंबरिंग का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, बी ऑप्शन। क्लियर? AIBN और टीन हाइड्राइड दिखा, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, रेडिकल। क्लियर है सबको, इजी इजी था। ये ब्रोमीन के साथ रेडिकल फॉर्मेशन करता है क्योंकि ये फेसिबल होता है, मतलब ज़्यादा फेसिबल कर देता है, टीन क्या कर देता है, हेलोजन को फेसिबल कर देता है, इसलिए ये दोनों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट। यस सर, ये देखिए सेट के टॉपर्स हैं, ifsonline.com यहाँ पर लिखा है, नंबर भी लिखा है, अगर कुछ क्वेरी है आपको तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही था, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी वीकेंड। आज सैटरडे नाइट है तो आप इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और थोड़ा सा चिल कीजिए और रिवीजन करेंगे, जितना अच्छा ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप उतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा रिवीजन बचा है आपके पास अगर तो फटाफट कर लीजिए, हमारे पास सिर्फ 7 डेज है और टोटल आवर्स गिन लीजिए 7 डेज में कितने बचे हैं, उसमें से आप सो रहे होंगे तो वो हटा दीजिए और उतने आवर्स है आपके पास, और उतने आवर्स है तो उतने आवर्स में आपको रिविजन करना पड़ेगा, वो आप देख लीजिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर, और आप रिवीजन की तैयारी पूरी तरीके से केमिस्ट्री फिजिक्स पूरे केमिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट है अपने, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट को हमें अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है सर। थोड़ा और लेना था, यस जीना जी थोड़ा और लेना चाहिए था मुझे, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम बाउंडेड हूँ यहाँ पर, तो और फिर से लेंगे हम, ठीक है, मंडे को। हाँ ट्रिक ट्रिक मैं बता दूंगा और मंडे को पता चल जाएगा आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस ईच एंड एवरीवन, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, आपके लिए सोविक सर आ जाएंगे 5 मिनट में आपको
सोविक सर मिलने वाले हैं 5 मिनट में, तो इसलिए रुक के रहिए, बरकरार रहिए, ठीक है। तो आपके लिए सोविक सर आ रहे हैं 5 मिनट में, बस ज्वाइन कर दीजिए आप और 5 मिनट में कुछ खा लीजिए। और कार्बन मत खाइए, खाना खाइए, कार्बन खा लेंगे तो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, इसलिए कार्बन कम खाइए, खाना ज़्यादा खाइए। मज़ा आ रहा था सॉल्व करने में। जीनत थैंक यू सो मच, ऐसे ही मज़ा कीजिए और सॉल्व करते जाइए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक और बहुत ही मज़ा आता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, और बाकी सब लोग जैसे ही हम करने वाले हैं और भी बहुत कुछ करेंगे सामने, ठीक है। तो बढ़िया से वीकेंड है, इंजॉय कीजिए और रिलैक्स कीजिए और चिल कीजिए थोड़ा सा और रिविजन कीजिए, बस हमें थोड़ा चिल करना है, सैटरडे नाइट है तो। यस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं आपको अगली बार जब मुलाकात होगी तब। और लाइक कर दीजिए सेशन को अगर आपको बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो। यस थैंक यू सो मच, यस ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे। ओके ओके सो आई एम ऑडिबल प्रॉपरली एंड वेलकम यू टू ऑल ऑन आईएफएस केमिस्ट्री चैनल। सो ऑडिबल प्रॉपरली बता दीजिएगा एक बार फटाफट से। चलिए फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आज का सेशन हम लोग इस हफ्ते का लास्ट सेशन होने वाला है, तो ठीक है चलिए फटाफट से ज्वाइन हो जाइए तुरंत। हमें ऑडिबल प्रॉपरली सेशन को शेयर करना है दोस्तों के साथ एज वेल एज ओके। ठीक है चलिए चलिए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बुला भी लीजिए। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा, इधर उधर की क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो आपके सेट के लिए जस्ट कुछ ही दिन ही बचा है, अप्रैल के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में आपका एमएस सेट का एग्जाम है, तो आपको इसके लिए अभी 1 रुपीज में टेस्ट सीरीज मिल रहा है जिसका वैलिडिटी 1 महीने के लिए रहेगा, 1 रुपीज में टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसका वैलिडिटी 1 महीने रहने वाले हैं। तो फटाफट से जाइए और टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हो या नहीं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है आपके कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर कहाँ पे आते हैं सर? ऑब्वियसली हमारे जो क्वांटम केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, क्वांटम केमिस्ट्री के नाम के एक टॉपिक है, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये सेट का PYQ है, ये सेट का PYQ है, ठीक है। कौन से सेट का है ये आपको देखना है।
ऑप्शन बी सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो सेशन, पहले सॉल्व करो फिर बताओ क्या होना चाहिए। अगर दोनों कम्यूटेटर है तो कम्यूटेटर के मतलब क्या है, इन दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए होगा, माइनस बी ए होगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। और कम्यूटेटर को सॉल्व करने के लिए वी नीड अ वेव फंक्शन, तो आप एक वेव फंक्शन से फॉर एग्जांपल साई एक्स सॉल्व कर लिया, करने के बाद क्या आ रहा है आंसर बताइए, करने के बाद क्या आ रहा है बताइए। तो साई एक्स जो है वी नीड टू कंसीडर एन आर्बिट्री वेव फंक्शन, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेव फंक्शन है, अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, पहले ये टर्म को सॉल्व करो फिर ये टर्म को सॉल्व करो और फिर दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन करने के बाद, सब्सट्रैक्शन करने के बाद बताओ कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल एक्स डी एक्स एस टू, यहाँ पे साई एक्स लेंगे, तब डायरेक्टली पहले तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, एक्स डी डी एक्स ऑफ डी साई डी एक्स, मतलब मैं स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ, तो आपको ये जब तक ऑपरेटर है यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेट करवा लिया है, तो उसके बाद x इंटू डी टू साई बाई डी एक्स टू और ये ऑपरेटर होगा एंड फिर हमारे पास आएगा x इंटू डी टू साई बाई डी एक्स टू, ये इस तरफ और ये वाले सेगमेंट का हमारे पास वैल्यू आएगा। सिमिलर तरीके से आपको इस सेगमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है और इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट होगा कि इसको अगर हम लोग तोड़ के दिखाएं इस तरीके से x इंटू साई एक्स, ठीक है। तो ये ऑपरेट कर लिया हम लोगों ने x x x को ऑपरेट कर लिया विद द साई एक्स, तो x साई एक्स हमारे पास आएगा, b आ रहा है, ठीक है। फिर बताओ यहां पे u एंड v रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा, भी आ रहा है, ओके देखते हैं सॉल्व करके। प्रोडक्ट रूल अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक बार साई एक्स को कांस्टेंट पकड़ो, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा वन होगा, प्लस एक्स को कांस्टेंट पकड़ो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो विद दिस, एक्स को कांस्टेंट पकड़ो डी साई बाई डी एक्स। अब इसका फिर से हमें डेरिवेशन लेना पड़ेगा, फिर से अगर हम लोग डेरिवेशन लेते हैं तो यहाँ पे डी डी एक्स और यह आएगा राइट, प्लस फिर से यहाँ पे यू एंड वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे यू एंड वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो बताइए फटाफट से करिए। ऑप्शन जो है ये आएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद, तो इन दोनों को हमें नेगेटिव करना है, आप देखो ये वैल्यू है माइनस ये वैल्यू करना है, सो एक्स इंटू डी डू शाई बाई डी एक्स एस टू माइनस टू डी डी एक्स साई एक्स, माइनस ये आ रहा है हमारे पास ओवरऑल, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा माइनस टू डी डी एक्स। और साई एक्स जो है जब हम लोग ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग जब लिखेंगे तब साई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोगों ने आर्बिट्री वेव फंक्शंस लिया था, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी तो नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी तो नहीं आ रहा है, डेफिनेटली ऑप्शन सी आएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है, डेफिनेटली ऑप्शन सी आएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलो ओके ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, यहां से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यहां से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जो है सब सेट का ही क्वेश्चन है। और आप लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि फिर से ये सेशन स्टार्ट हो गया है, फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर ले, और उसके साथ साथ लाइक्स को इंक्रीज करते हुए चले। लाइक्स 37 है, एटलीस्ट 60 तक लाइक्स तो लेके जाना चाहिए आप लोगों को, 37 से एटलीस्ट 75 होगा कि नहीं पता, 70 तक तो होना चाहिए, बट लेट्स सी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सेशन को फटाफट से। ठीक है ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थोड़ा सा गला खराब है मेरा, तो बाकी आप लोग बताइए। फॉर अ टू कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम है, द टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और DOF एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। यूजुअली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, C माइनस पी प्लस टू। ठीक है सर, कंपोनेंट टू है माइनस पी प्लस टू, सो क्या होना चाहिए, 4 माइनस पी, दैट शुड बी द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बट क्या ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आएगा क्या, क्या लगता है सब लोगों को, फटाफट से बताइए कमेंट पे, क्या डी ऑप्शन आएगा, क्या डी ऑप्शन आएगा, या फिर और कुछ आना चाहिए, या फिर और कुछ आना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, श्योर श्योर, सेशन को शेयर कर दो फटाफट से एक बार, बहुत सारे बच्चे को जोड़ के मतलब यहां पे लेके आना है। देखो एक बार, कांस्टेंट प्रेशर में गिवन है, यहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही कंसीडर किया गया है। टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कंसीडर करते तो हमारे पास वैल्यू आता है 4 माइनस पी, बट यहां पे एट कांस्टेंट प्रेशर बोला गया है, कांस्टेंट प्रेशर है मतलब यहाँ पे हमें C माइनस पी प्लस 1 करना है, या फिर यहाँ पे 4 से मुझे एक काम करना है, दैट मीन्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 माइनस पी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 माइनस पी, क्योंकि यहाँ पे जो 2 का कंट्रीब्यूशन है, इसमें अगर मैं 1 को कांस्टेंट पकड़ लेता हूँ पी, दैट मीन्स ये हमारे पास C माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम लोग रिड्यूस्ड फेज रूल कहते हैं, C माइनस पी प्लस 1, दैट मीन्स कॉम्पोनेंट इज 2, माइनस पी प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, ना कि डी। समझ में आ रहा है ये चीज, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। राइट, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी चलना है, चलो
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ एच एफ अपीयर्स एट 845 सेंटीमीटर इनवर्स इन द इंफ्रारेड। व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटेरियम द स्पेक्ट्रम इज लाइकली टू अपीयर एट, क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए बताओ सर? वेव फंक्शन के साथ वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, सॉरी वेवलेंथ के साथ मॉलिक्यूल का आइसोटोप का क्या रिलेशन है, एनी आइडिया? अगर हम लोग न्यू बार की बात करें, न्यू बार इज नथिंग बट द वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 1/2 pi इंटू सी रूट ओवर के बाई म्यू, जहाँ पे म्यू इज नथिंग बट द रिड्यूस मास, म्यू इज नथिंग बट द रिड्यूस मास। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे एम वन एम टू है प्लस एम टू होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू, सो न्यू बार इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ और रूट म्यू, आई वुड से 1/μ और रूट म्यू। दैट मीन्स अगर हम लोग म्यू को इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के जगह पे अगर आप ड्यूटेरियम यूज करोगे, डेफिनेट बात है सर म्यू इंक्रीज ही होगा, डेफिनेट बात है सर म्यू इंक्रीज ही होगा, है ना? हाइड्रोजन के जगह पे अगर आप ड्यूटेरियम को यूज करोगे तो डेफिनेट बात है सर म्यू तो इंक्रीज ही होगा, और म्यू अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली लैम्डा बार भी न्यू बार भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ये पॉसिबल है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे पॉसिबल है, दैट मीन्स 835 जो है इससे कम फ्रिक्वेंसी या फिर कम वेव नंबर पे मिल रहा है, बाकी जो भी है सब ज्यादा है, दैट मीन्स That are not possible. मतलब वो बहुत ही कम है अगर देखा जाए तो, 423 काफी कम है, 599 और भी ज्यादा कम है, एंड 990 सेंटीमीटर इनवर्स ये ज्यादा है, तो ये तो नहीं होगा। अब 835, 423 और 599 इसके बीच में अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहोगे तो यू कैन सी दैट हाइड्रोजन और फ्लोरीन इसके लिए क्या होगा, एच एफ, एफ मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू 19, दैट मीन्स ऊपर 19 आएगा नीचे 20, वेयर एज फॉर एच एफ एंड फॉर डी एफ क्या हो जाएगा, 38 डिवाइडेड बाई 21 फॉर डी एफ, यस 38/21 फॉर द डी एफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू 2/μ1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू ऑफ एच एफ डिवाइडेड बाई न्यू ऑफ एच डी एफ, एच एफ का न्यू मतलब 19/20, यहाँ पे हो जाएगा 21/38, मीन्स ये वैल्यू क्या होगा, 2, सो इसका वैल्यू आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस, ठीक है 21/40, सो न्यू बार 2 क्या हो जाएगा, ₹845। इसका वैल्यू हम लोग और कैसे सोच सकते हैं, ओके कितना आएगा वैल्यू, थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताना जरा, वैल्यू कितना आएगा थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताना जरा,
चलिए लाइक्स को बढ़ाइए और एज वेल एज शेयर कर दीजिए फटाफट से सेशन को, लाइक्स को बढ़ाइए उसके साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से सेशन को। आज एकदम बच्चे नहीं हैं, सब फिजिकल केमिस्ट्री देख के भाग गए हैं। हर रोज यही हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। सेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन देखो उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, फिजिकल नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं, मुझे क्या, मेरा तो कुछ नहीं। क्वांटम से 6 112.260, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू नहीं आ रहा है हमारे पास, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये वाला वैल्यू आएगा 600 के आसपास वैल्यू आएगा, दैट मीन्स ठीक है 600 के आसपास वैल्यू आएगा इसके, मतलब यस मौसमी, यस समझ गया ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, तो 600 के आसपास सेंटीमीटर के आसपास वैल्यू आएगा अगर ऐसे हम लोग कैलकुलेट करें तो। सर क्वांटम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं? देखो रिपीट तो नहीं कहूंगा, बट कम्यूटेटर या फिर ऑपरेटर से क्वेश्चंस मैंने देखा है। कम्यूटेटर मतलब ऑपरेटर्स वाला पार्ट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन वेव फंक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चंस रहेंगे। HMOT होकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देन पार्टिकल इन 1D बॉक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब पार्टिकल इन अ बॉक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्टिकल इन बॉक्स से काफी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऑपरेटर एंड पार्टिकल इन बॉक्स यहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा फटाफट से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, कंसेप्ट को समझ लो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा ठीक है। और फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए तुरंत एंड लाइक्स भी कर दीजिए। सो फॉर अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यार, ये बहुत सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो कब करोगे, अभी तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। बताओ बताओ क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी, वेरी गुड, सॉल्व कर लिया है मौसमी ने। सर एक तो हमारे पास 101 प्लेन है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, एक्सरे डिफ्रेक्शन सोर्स रिफ्लेक्शन फॉर द एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 असाइन टू दिस प्लेन सर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, दैट इज द ब्रैग्स लॉ, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, दैट इज द ब्रैग्स लॉ। अब प्लेन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूज किए हैं, प्लेन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूज किए हैं, तो वी कैन से 2D1 साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 2D2 साइन थीटा 2, यहां से हमें रेशियो मिलेगा। तो 2 and 2 कैंसिल आउट होगा, तो साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 2 दैट इज इक्वल टू D2 by D1 ठीक है। सर व्हाट विल बी द D2, इसको अगर हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, इसको अगर हम लोग 2 कंसीडर करते हैं, तो D1 क्या हो जाएगा, a by root over h cross h square k square l square that is equal to a by root 2 right, a by root 2, so D2 क्या होगा, a by root over h square plus k square plus l square that is equal to a by root 1 plus 1 plus 1 that is equal to a by root 3, a by root 3। तो बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, D3 इज नथिंग बट a by root 3 एंड D1 इज नथिंग बट root 2 by a, D1 इज नथिंग बट a by root 2, जस्ट उसका उल्टा ले लिया मैंने root 2 by a, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास,
रूट थ्री बाई टू, वैल्यू आ गया हमारे पास रूट टू बाई थ्री, सॉरी नॉट थ्री बाई टू, इट्स रूट टू बाई थ्री. साइन थीटा वन बाय साइन थीटा टू, अगर साइन थीटा टू बाई साइन थीटा वन दिया होता तो अब तब आपके पास ऑप्शन बी हो जाता सही आंसर. समझ में आ रहा है क्या ये चीज? इज इट क्लियर? ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर. इज इट क्लियर? करेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा. रूट टू बाई थ्री, रूट टू बाई थ्री. ऑप्शन बी होता अगर साइन थीटा टू बाई थ्री थीटा वन पूछा जाता तो. ठीक है, अब इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ. ये तो एक लाइन का क्वेश्चन का आंसर है, इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में, मतलब आप जस्ट देखोगे, जगाओगे, टिक करोगे और आगे बढ़ोगे. सर द फेस बाउंड्री बिटवीन अ सॉलिड एंड द लिक्विड इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन और रिलेशन क्लैपेरॉन इक्वेशन या फिर गिब्स ड्यूहम इक्वेशन. ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन या फिर क्लॉसियस इक्वेशन कहते हैं हम लोग. तो क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बताते हैं हमें? क्लैपेरॉन इक्वेशन हमें डेल पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी इसका फॉर्मूला देते हैं, जहाँ पे एस को हम लोग चेंज करते हैं डेल्टा एच बाई टी से और वी यहाँ पे लिख देते हैं, है कि नहीं? क्योंकि फेस ट्रांजिशन इज अ प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर में डेल्टा एस को वी कैन राइट इट एज डेल एच बाई डेल्टा टी, और फिर यहाँ पे टेम्परेचर एज वेल एज जो वॉल्यूम का चेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू एंथैल्पी चेंज एट पर्टिकुलर फेज वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, मॉनिटर करते हैं. सो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इस इक्वेशन से पहले जो हमारे पास इक्वेशन आते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन, फ्रॉम देयर वी कैन से फेज बाउंड्री बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी गवर्न्ड. ठीक है, दैट क्लियर? चलो, तीन लोगों का आंसर आया है, आई थिंक तीन ही लोग देख रहे होंगे मेरे साथ, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं. सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉपर एटम? अगर पूछा गया है कि एज्यूम इच कॉपर एटम हैज अ हार्ड स्फीयर इन कॉन्टेक्ट विद इट्स नेबर एंड द कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ये क्वेश्चन का आंसर भी तुरंत हो जाना चाहिए. ये आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो, मुझे पता है, जब आप लोग छोटे थे तब से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हो, लाइक 11, 12 पीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, है कि नहीं? इसी बात पे लाइक्स को इंक्रीज करो फटाफट से, 50 लाइक्स तक लेके चले जाओ. जितने भी नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे काइंडली शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल, काइंडली शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल. ये क्वेश्चन, ये सेशन आप लोगों के लिए है, तो आप लोग अगर जब तक शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ उतना आपके लिए बेहतर होगा. मेरे लिए नहीं है सेशन, ये आप लोगों के लिए ही है सेशन. ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय अ कॉपर एटम एंड अज्यूमिंग इच एटम हैज अ हार्ड स्फीयर इन कॉन्टेक्ट विद इट्स नेबर एंड कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. सो स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम होगा ओवरऑल ए क्यूब, और फेस डायगोनल क्या होता है? रूट टू ए, दैट इज इक्वल टू फोर आर, क्योंकि आपको पता है फेस डायगोनल अगर हम लोग एफसीसी लैटिस ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास इस तरीके को देखने को मिलेगा, इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा. सो हमें ये वाला लाइन ड्रॉ करना है जहां पे फेस डायगोनल जिसको कहा जाएगा. तो इसमें इसका डिस्टेंस आर है, इसका भी डिस्टेंस आर है, और ये दोनों टू आर है, तो यहां से हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, एंड फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड और पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग
इफ सेंटर्ड है, टोटल चार इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी चार पार्टिकल होंगे और चार एटम्स होंगे कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिट सेल इनटू फोर थर्ड पाई आर क्यूब। आर क्यूब के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सर रूट टू बाई फोर दैट्स होल क्यूब इनटू ए क्यूब डिवाइडेड बाई ओवरऑल वॉल्यूम। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, राइट इसके इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा जो होगा ऑप्शन नंबर डी 0.74। सो दिस विल बी द पैकिंग फ्रैक्शन। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव द पैकिंग एफिशिएंसी। सो इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली सब लोगों ने आंसर दे ही दिए हैं। तो लेट्स क्रैक द इमेज सेट 2024 एक्सक्लूसिव लेक्चर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये आई थिंक अभी 199 से भी कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर कोई बताना चाहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कोई बताना चाहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बताना चाहेंगे? चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। टीसी जो होगा, टीसी होता है 8A/27RB, VC इज इक्वल टू 3B एंड PC इज इक्वल टू A/27B² ठीक है? इतना सा हिंट मैं दे देता हूं आपको, बाकी आपको सॉल्व करना है इसको। सर एमपी सेट के लिए कोई बैच है क्या आपके पास? जी देखिए, एमपी सेट के लिए तो अलग से कोई बैच नहीं है, अभी तक हम लोगों ने बैच लॉन्च नहीं किया, बट देखते हैं अगर ज्यादा स्टूडेंट से डिमांड आते हैं तो वी कैन हैव दैट। यस मौसमी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए हमारे पास आ रहा है सही आंसर। ये हिंट यूज करके किया था आपने। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू जेड एंड पी VM/RT ये कंसिडर किया जाता है फॉर द रियल गैसेस, जहाँ पे V इज द V मोलर। सो यहाँ पे VM के जगह पे PC VC R/TC ये यूज करेगा और इसका फॉर्मूलाज जो है वो सारे फॉर्मूलाज अगर यहाँ पे पुट करोगे वी विल हैव द वैल्यू ऑफ 3/8। ये खुद से करके देखना है आपको, ये भी हमें करके नहीं दूंगा। आप लोग सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो तो आपको पता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है? बट ऑप्शन यस, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, इसीलिए मैंने हिंट भी दे दिया था। क्या सब लोगों से ये हो पा रहा है बताओ? सारे बच्चे छोड़ के चले गए पता नहीं क्यों। यस, वैल्यूज याद नहीं रहते यूजुअली, यही मुश्किल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिगार्डिंग द इंफ्रारेड एक्टिव मोड्स ऑफ H2O, IR एक्टिव मोड्स ऑफ H2O कौन से होते हैं? IR एक्टिव मोड्स ऑफ H2O कौन से होते हैं? Which of the following statement is true? Three normal modes or active, three normal modes, two active, two normal modes, both active, three normal modes, one active. क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए सर, ऑब्वियस बात है, H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, एक तो स्ट्रेचिंग होंगे,
स्ट्रेचिंग होंगे, उसके साथ साथ स्ट्रेचिंग का भी दो फॉर्म रहेंगे, एक तो सिमेट्रिक, एक असिमेट्रिक। और उसके साथ साथ बेंडिंग मोड भी प्रेजेंट रहेंगे हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल के लिए, बेंडिंग मोड भी प्रेजेंट रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल के लिए। इसीलिए थ्री मोड्स है और तीनों ही मोड एक्टिव मोड में है, ठीक है, तीन मोड है और तीनों ही मोड एक्टिव है, तो इसीलिए थ्री मोड्स थ्री नॉर्मल मोड्स ऑल आर एक्टिव। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर कोई करना चाहेगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ। ये लैम्बर्ट बियर्ड्स लॉ के एक क्वेश्चन है, लैम्बर्ट बियर्ड्स लॉ के क्वेश्चन है, ये लैम्बर्ट बियर्ड्स लॉ के क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करना चाहोगे क्या बताओ। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ डेफिनेटली, अभी मैं बोलूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। चलिए बताइए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू गिवेन है। सर एप्सिलॉन वैल्यू इज गिवेन 0.62 × 10⁻⁵ डेसीमीटर क्यूब, और ये क्वेश्चन सेट का PYQ है, कौन से सेट का, वेस्ट बंगाल सेट का, इतना भी मैं बता रहा हूँ मैं वेस्ट बंगाल सेट का ये PYQ है। क्वेश्चन देखो, स्विमर सेंटर्स रिलेटिवली डार्कर वॉल्ड एज इट डाइव्स इनटू अ ग्रेटर डेप्थ इन अ स्विमिंग पूल, गिवन दैट द मीन मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ पूल वाटर इन द विजिबल रीजन इज दिस, ये मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेप्थ एट व्हिच द डाइवर विल एक्सपीरियंस हाफ द सरफेस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, दैट मीन्स यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन गिवेन है, ट्रांसमिटेड लाइट शुड बी इक्वल टू I0/2 हाफ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस क्या होगा सर, लॉग I0/IT दैट इज इक्वल टू लॉग I0/I0/2 जो ऊपर चला जाएगा, सो लॉग 2 इज गोइंग टू बी द एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस केस। यहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्बेंस वैल्यू पता चल गया है, एल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सर कंसेंट्रेशन क्या आएगा, वाटर है बताओ जरा, कंसेंट्रेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कंसेंट्रेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या गिवेन है, डेंसिटी ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर इज गिवेन, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। A=εBC yes। अच्छा वैसे मैं बी यूज नहीं करता, मैं एल साइन यूज करता हूं, एल फॉर द लेंथ। बट वॉट इज द कंसेंट्रेशन, वही मैं पूछ रहा हूं, कंसेंट्रेशन आप कैसे निकालोगे। देखो मैं बता देता हूं, यहां पे रो इज इक्वल टू 1 g/cm³, ठीक है, दैट मीन्स 1 g प्रेजेंट है 1 cm में और 1 cm³ में, दैट मीन्स 1 cm³ में अगर 1 g प्रेजेंट है तो 1000 cm³ में कितना प्रेजेंट होंगे। आप बोलोगे कि सर 1000 g प्रेजेंट होंगे, सर 1000 cm³
इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वन लीटर और नॉट। दैट मीन्स वन लीटर में थाउजेंड ग्राम प्रेजेंट है, सो वन लीटर में कितना मोलर प्रेजेंट होंगे, सर थाउजेंड डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल, दैट मीन्स दिस मीन्स अमाउंट ऑफ मोल विल बी प्रेजेंट इन द, दैट मीन्स 55.55 मोलर इज द कंसेंट्रेशन। सी बाकी आपको वैल्यू पुट करना है क्या, एल कैलकुलेट करने के लिए लॉग टी, तो लॉग टू बाई एप्सिलॉन वैल्यू इज गिवेन, कंसेंट्रेशन इज 55.55 इंटू 6.2 इंटू 10^-5। यस एब्सोल्युटली वन डेसीमीटर क्यूब, वन डेसीमीटर क्यूब मतलब वही हमारे लिए वन लीटर हो जाएगा, है ना। सो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर मौसमी 87.5 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ नुवे सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बच्चे तो भूल चुके हैं फिजिकल नाम की कोई चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री करके आती है, दो तीन बच्चे ही हैं मेरे साथ जुड़े हुए, बाकी सब लोग देखते रहते हैं सिर्फ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बच्चे को ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री पसंद नहीं है मुझे लग रहा है ऐसा। ऑप्शन बी वेरी गुड, बाकी तीन जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं होगा, वाई सो। देखो पहले के केस में ऑप्शन ए में H2 है, CH4 है, दोनों में से किसी के पास क्या नहीं है, कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, राइट। दोनों में से किसी के पास भी परमानेंट कोई डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, तो कैसे होगा। लेकिन बी के पास NO भी प्रेजेंट है एज वेल एज N2O भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा का मेन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज की मॉलिक्यूल मस्ट हैव, मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो दैट मीन्स H2 मॉलिक्यूल के पास CH4 मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है, दैट इज द NO एंड NO2 और N2O, इसीलिए ऑप्शन बी हमारे लिए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हमें चाहिए डाइपोल मोमेंट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है, सबसे ज्यादा बच्चों को मजा आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिजेनरेसी फॉर एन एनर्जी लेवल ऑफ दिस ऑफ अ पार्टिकल इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइडल इज गिवन एज दिस मच, एनर्जी गिवन है आपको, जी लोकेश, जी लोकेश जी,
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जी हाँ। लोकेश जी कह रहे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून लोकेश सर, कैसे हो आप। 322 डिजेनरेसी, ओके देखते हैं। दैट मीन्स हमारे पास एनर्जी क्या होना चाहिए, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर ओवरऑल एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर फॉर द 3D बॉक्स। इसका वैल्यू होना चाहिए 17। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए 17। तो कैसे आएगा 17, एन का वैल्यू 1, 2, 4, 9, 16 16 तक जा सकते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में। सो एन एक्स क्या क्या ऑप्शन है, 9 + 4 + 4 That should be equal to 17. So that means यहाँ पे 3 हो सकता है, 2, 2 इसमें आपको आएगा 17. So बाकी इसका total degeneracy होगा 232 and 223. और कोई option possible है हमारे पास, और कोई option possible है क्या हमारे पास, और कोई option तो possible नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, यस। सो यही तीनों ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। इसका डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कितना होगा, 3 होगा। चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसी बात पे अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन अ टू डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स इज अ स्टेट, इज इन अ स्टेट डिस्क्राइब बाय द n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 7, स्टेट्स इन एक्सीडेंटल डिजेनरेसी विद द स्टेट इज फिजिबल विद, कौन सा होना चाहिए। अब्दुल सर भी आ चुके हैं, हेलो अब्दुल सर कैसे हो जी। सर फायर पे तो नहीं हूं, आई एम नॉट ऑन फायर, बिकॉज आप देख पा रहे हो आज बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा दूर भाग रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा, फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ा दूर भाग रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई एन एक्स का वैल्यू 1771 अगर होगा डिजेनरेसी, दैट मीन्स वैल्यू कितना आएगा 50 आएगा, 50 एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर। 50 और किसके साथ आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी ओनली एंड ओनली पॉसिबल, ठीक है, एक्सीडेंटल डिजेनरेसी हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50 एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर। तो एक्सीडेंटल डिजेनरेसी मतलब वही है कि कोई भी पर्टिकुलर दो स्टेट है और दो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जैसे 1 and 7, तो 1, 7 and 7, 1 यहां से डिजेनरेसी 2 जो है वो डेफिनेट है, बट स्टिल इन दोनों को छोड़ के और कोई n1 एंड nx और ny के वैल्यू के लिए हमारे पास अगर डिजेनरेसी और सेम एनर्जी आ जाते हैं तो उसको हम लोग एक्सीडेंटल डिजेनरेसी के नाम से जाने जा सकते हैं और बुला सकते हैं।
इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं स्पेशली पॉलीमर केमिस्ट्री से। डी नहीं होगा इसका, डी इसीलिए नहीं होगा, देखो स्टेट अगर वन है और स्टेट अगर एन टू सेवन है तो वन सेवन अगर है तो सेवन वन भी बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हो जाएगा, मतलब सेम एनर्जी देने वाला है। तो ये तो नॉर्मल डिजेनरेसी है, दिस इज द नॉर्मल डिजेनरेसी, दिस इज द नॉर्मल डिजेनरेसी। ठीक है, ऑब्वियस बात है सर, वन सेवन एंड सेवन वन ये तो हमारे पास नॉर्मल डिजेनरेसी है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सीडेंटल नहीं कहेंगे क्योंकि एन एक्स एंड एन वाई स्क्वायर है तो एन एक्स एंड एन वाई का वैल्यू आपस में चेंज हो सकता है एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। लाइक इसका एनर्जी क्या हो रहा है 50 एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर। बट इसी के साथ साथ इस सेट ऑफ वैल्यूज के साथ साथ भी अचानक से इसी स्टेट पे अब देखो एन एक्स इज इक्वल टू 5 आ रहा है, एन वाई इज इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब ये जो दो ये अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए, ये इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये सेम एनर्जी पे ये पहुंचना होगा, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए इस एन एक्स 5 को एक्सीडेंटल डिजेनरेसी बोला जाएगा, ना कि 17 एज वेल एज 71 को। तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 जो है आउट ऑफ नोवेयर इसका जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली इन दोनों स्टेट का एनर्जी के साथ इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए 5 को एक्सीडेंटल डिजेनरेसी बोला जाएगा ना कि 71 को। मतलब एन वन इज इक्वल टू 1 एंड एन टू इज इक्वल टू 7, तो एन वन इक्वल्स टू 7 एंड एन टू इक्वल्स टू 1 होगा, तो दैट इज द नॉर्मल डिजेनरेसी, दैट इज ऑलवेज पॉसिबल इन केस ऑफ स्क्वायर बॉक्स। बट यही पे एन वन एज वेल एज एन टू दोनों का ही वैल्यू कुछ कंप्लीटली डिफरेंट आ गया और जो वैल्यू जो है इन दोनों स्टेट के साथ करस्पॉन्डिंग में है, तब वो जो नया वैल्यू की वजह से इस एनर्जी को हमें हमारे पास एनर्जी वैल्यू मिल रहा है, तो उसी स्टेट को एक्सीडेंटल डिजेनरेसी बोलेंगे। ये नॉर्मल डिजेनरेसी है बट ये जो है ये एक्सीडेंटल डिजेनरेसी कहेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चंस प्लीज सॉल्व करके जाना, मैं बार बार कह रहा हूं। एक तो प्रोटीन सैंपल का जो नंबर ऑफ मास लाइक मास एवरेज एज वेल एज जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन से इसको करके जाना है आप लोगों को। ठीक है, ये डेफिनेटली करके जाना है, स्पेशली नंबर एवरेज मोलर मास तो बिल्कुल करके जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन का कैलकुलेशन भी इजी है और ये नेट सेट में काफी बार पूछे गए हैं, काफी बार पूछे गए हैं। फटाफट से बोलो इस आंसर का क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल सही, सबका आ रहा है क्या? सबका आ रहा है क्या? राइट राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
इसी बात पे 50 लाइक्स तक पहुंचना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने का, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा समेशन ऑफ एन आई एम आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50% है प्लस 40% एंड सॉरी 10% 0.10 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई टोटल कितना आएगा, टोटल ऑब्वियसली 50, 40, 10 ऑब्वियसली टोटल आएगा हमारे पास 1। तो ये हमें कैलकुलेट करने की, नीचे वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 10,000 ऊपर में प्लस यहाँ पे 12,000 प्लस यहाँ पे 6,000। सो कैलकुलेट करो 22, 6, 28। सिंपल फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, सिंपली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? अच्छा, ये एक क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को होमवर्क कर लो। ठीक है, लेट जस्ट कीप इट एट एज होमवर्क। ये भी होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एज वेल एज ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। तीन चार क्वेश्चन था, चार पांच क्वेश्चन था जो आप होमवर्क के बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से, और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आंसर इसका क्या क्या आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना आंसर इसका क्या क्या आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सिमिलर तरीके से, इसका भी ले लो। ये सबसे ज्यादा और ये क्वेश्चन सेट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन सेट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी सेट में पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं एज वेल एज दिस वन। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना। सो ठीक है, आपका क्लास टाइमिंग एक बार बता दीजिए। देखो, इस हफ्ते में क्लास हमारा, मेरा क्लास तो 11:30 से स्टार्ट हो रहा था। नेक्स्ट वीक में भी मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम फॉलो होगा अगर मैं आता हूं तो। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक का प्लानिंग एग्जैक्टली पता नहीं है, लाइक एग्जैक्टली हम लोग अभी तक डिसाइड नहीं किया है, बट कंटिन्यूएशन होगा ये कंफर्म है। तो टाइमिंग का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो आपको अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वो आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलो, फ्री कुछ भी सेक्शन आपको चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल PYQs चाहिए, कट ऑफ चाहिए, एग्जाम पेपर एनालिसिस चाहिए, फ्री वीडियोस चाहिए, रैंक स्ट्रेटजीज चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, सिमिलरली ये टॉपर्स का लिस्ट है, यहाँ पे आप लोगों का खुद का फोटो लगाना है डेफिनेटली कुछ ही दिन में। एंड टिल देन, टाटा, टेक केयर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।